कॉलेज FM आप सबको अ वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग लाइट लाइट कूल कूल दिस इज माधुरी योर कॉलेज FM जॉकी स्टार्टिंग BA पॉलिटिकल साइंस सेकंड ईयर बर्थडे भूल सकते वैलेंटाइन डे भूल सकते हैं लेकिन कॉलेज डे कोई नहीं भूलता है यू नो व्हाई क्योंकि कॉलेज का रोमांच कुछ अलग ही होता है इसमें फन और मस्ती होती है इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है हमारे कॉलेज का लव स्पॉट करीम बाई की कैंटीन सारी लव स्टोरीज वहीं से शुरू होती हैं। यहाँ पे एक से बढ़कर एक प्रेमी जोड़े बैठा करते हैं लेकिन शादी किसी की भी नहीं होती है दूसरे है हमारे कॉलेज के लेक्चरर सत्यमूर्ति कोई एग्जाम में फेल हो जाए तो क्षमा कर देते हैं लेकिन जिंदगी में फेल हो जाए तो नहीं छोड़ते कम 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 आ जाओ सुरजीत ठाकुर की जय। क्यों MLA जी भैंस पे क्यों घूम रहे हैं सिर्फ गांव में ही नहीं असेंबली में भी इसी पे जाऊंगा असेंबली में हाँ वो भी भैंस के ऊपर लेकिन क्यों सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत बढ़ा दिए हैं इसीलिए पेट्रोल के बिना भी दूसरी सवारियां हैं ये बात बोलकर सरकार को मैं हिलाना चाहता हूँ और पीछे जो गाड़ियाँ वो मेरी कैडर है सारी गाड़ियाँ मेरी हैं उन गाड़ियों की टंकी में पेट्रोल भरा सबकी टंकियाँ फुल है बहुत दूर जा सकती हैं आधा मील असेंबली जाने के लिए गांव-गांव घूमकर इतना पेट्रोल वेस्ट कर रहे हो दिमाग खराब है क्या जस्ट वेट अभी ब्लू क्रॉस को फोन करता हूँ वो कौन सी पार्टी है भाई वो कोई पार्टी नहीं है वो लोग बेजुबान जानवरों की तुम जैसों से रक्षा करते हैं उनसे बोल के सजा दिलाऊंगा हेलो ब्लू क्रॉस बेचारे इंसानों में तो बुद्धि नहीं है कम से कम तेरे अंदर तो बुद्धि है डोंट एंटर पॉलिटिक्स ये चांद दिख रहा है ना ये चांद नहीं हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल KR श्रीवास्तव जी की खोपड़ी है सर, 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 सर क्या हुआ एक डाउट है डाउट क्लियर करने के लिए तो मैं हूँ पूछो सर सुभाष चंद्र बोस अभी भी जिंदा है क्या तुम्हें जान से मार दूंगा अगर दोबारा तुम लोगों ने उसका नाम लिया तो मैं TC थमा दूंगा आज हमारा देश ऐसा है इसका कारण है सुभाष चंद्र बोस वल्लभ भाई पटेल भगत सिंह और गांधी जी अगर इन लोगों ने जुलूस निकाल निकाल कर हम लोगों को अंग्रेजों से आजादी नहीं दिलाई होती ना तो इंडिया इंग्लैंड जुड़ा हुआ होता और दोनों का आपस में जाना आना लगा रहता है हम लोग बिना पासपोर्ट वीजा के इंग्लैंड चले जाते वहाँ किसी गोरी मैम से शादी कर लेते और उसे अपने इंडिया लेके आ जाते धर्म के नाम पे जो आपस में लड़वाते हैं उनके साथ में क्या करना चाहिए गोली गोली मार देनी तो चाहिए। सबसे पहले आपको गोली मारनी चाहिए वो क्यों महापुरुषों का अपमान करने के लिए हम लोगों को आज़ादी तो मिल गई है तुम सोचते हो नहीं मिलनी चाहिए अगर आज़ादी नहीं मिली होती तो तेरा बेटा इंग्लैंड में पढ़ाई नहीं करता बल्कि वहाँ अंग्रेजों के बर्तन धोता तब इंग्लैंड में कुत्ते नहीं होते उसकी जगह हम लोगों को रखते अगर दोबारा ऐसी बात की तो कोर्ट में खड़ा करके हमेशा के लिए जेल में डलवा दूंगा बड़ी वकालत करता उनकी क्या क्या उन्होंने हमारा सारा खजाना ले गए हमारे कॉलेज में 4 शरारती छात्र हैं। शरारतों की वजह से प्रिंसिपल ने उन्हें सस्पेंड कर दिया इस वक्त वो चारों लड़के कहाँ पर है क्या कर रहे हैं कोई बड़ी शरारत कर रहे हैं ये FM भी नहीं जानता है सीक्रेट है हेलो कॉलेज मंकीज जस्ट अ मिनट प्लीज आप चारों लोग ऐसे कॉस्ट्यूम्स में आए हैं लोगों को ऐसा क्या समझाना चाहते हैं क्या सिद्ध करना चाहते हैं नया नया करना मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी ड्राइंग यहाँ सबको बहुत अच्छी लगती है मैं भाषण अच्छा देता हूँ
इससे हमें पब्लिसिटी मिलती है। अच्छा, हमारा नाम पेपर में छपना चाहिए। अच्छा, रिस्क उठाकर बड़ा काम करने के लिए भी तैयार हैं। तो करिए ना। लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। इसके लिए तुम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो? Yes, we want publicity. Okay, तो नेक्स्ट अब तुम लोग क्या करने वाले हो? ये एक लड़की से बहुत ही दिल से प्यार करता है, लेकिन अभी तक आई लव यू नहीं बोला। तो फिर ये सीधे उसे चुम्मा देना चाहता है। अरे बाप रे, वो कैसे? ऐसे। भैया, केस क्या है? किडनैपिंग। काउंटर नंबर 4। ठीक है भैया। तेरा केस क्या है? कब्जा। काउंटर नंबर 3। क्या किया है? मर्डर। काउंटर नंबर 7 पे जाके कंप्यूटर में डिटेल भर दो। कैश काउंटर पे 10 लाख एडवांस भर दो। देख लिया आपने, इस बिल्डिंग में लोगों का आना जाना लगा हुआ है। ये बिल्डिंग किसी सिनेमा स्टार की नहीं है, ना ही किसी मंत्री महोदय की है, ना ही ये कोर्ट है, ना ही कोई पुलिस का हेडक्वार्टर है। यहाँ पर आने से काम हो जाता है, लोगों का विश्वास है, और वो काम कराने वाला इस राज्य का एक बहुत ही मशहूर गुंडा है। हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कैमरामैन अनिल अवस्थी के साथ इकबाल अहमद, अनजान टीवी। कहाँ है? टीवी चैनल की तरह बहुत सारे काउंटर हैं, इनमें कौन से काउंटर पर मेरा काम होगा? तेरा केस क्या है? क्या तो कुछ नहीं, मैंने एक जगह पर जमीन ली थी, पैसे लेकर मैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी गया था। अब उसकी कीमत 6 करोड़ की है, उसी के लिए मैंने सोचा। 1 करोड़ के लिए बाहर काउंटर रखे हुए हैं। करोड़ से ज्यादा हो तो बॉस से मिल सकते हो। लेकिन वो बॉस है कहाँ? सेंटर हॉल में। उनका नाम क्या है? मिश्रा। क्या घिसरा? फालतू बात मत कर। ये क्या, मिश्रा जी क्या खा रहे हैं? कटहल खा रहे हैं। ये हमेशा इसी तरह से खाते हैं क्या? बहुत बड़ा पेट है। नहीं, जब ये पैदा हुए थे तो बहुत भूखे थे। बचपन में ही इनके माँ बाप का खून हो गया, तभी से हर खून के बाद अपनी भूख मिटाने के लिए खाते ही रहते हैं। अच्छा, ये जो तुम्हारे बॉस है वो सोते कब है? बॉस को सोए हुए 17 दिन हो गए। 17 दिन? हाँ, एक बार जब ये गहरी नींद में सोए हुए थे तो इनके सपने में एक खतरनाक गुंडा है। वो कौन है? उस गुंडे का नाम है भवानी। वो क्या करता है? सर काटता है। अरे बाप रे, तब तो उसी के। अरे जब तू यहाँ आया तो यही जा। मर गया। कितना दिव्य मंगल स्वरूप है, कितने सालों के बाद मैंने इतना खूबसूरत चेहरा देखा। कामड़ी किए बिना किस लिए आया ये बता, छिपकली की औलाद? मैंने अपनी जमीन के लिए एक आदमी को पेमेंट दी थी, वो हैंडओवर नहीं कर रहा है। तुम्हें मेरे नाम से उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है। बैग में रुपये भर कर आया हूँ, काउंटर में जमा करवा देता हूँ, उसके बाद लॉरी भर के बाकी पैसा भिजवा दूंगा। मेरा काम तो हो जाएगा ना? चिंता मत कर बे, हो जाएगा। केवल बातों से नहीं। ठीक है, वो साइट मुझे दिखा। ये क्या, मैं जमीन छुड़वाने के लिए आया और तुम मेरी जमीन पे कब्जा करने की बात कर रहे हो? तुम हल्के से वो हो क्या? पागल लगता है। तुम्हें नींद क्यों नहीं आती, इसका कारण मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ। मुझे तो लगता है कि वो भवानी तुमसे भी बहुत बड़ा गुंडा है। अभी मैं चलता हूँ, बाद में आके बात करूंगा। कंट्रोल। अरे चुप। पहले जो ये खा रहा है उसको कंट्रोल कर, नहीं तो पेट फट जाएगा। चल हटना। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। बॉस, उसे आपने जाने क्यों दिया? ए, छोड़ना, उस पागल का क्या पागल करना है? अबे छोड़ना। आप खाली बोले। उसे मारने से हमारे चाकू का अपमान होगा। आजकल अपना नाम जो ज्यादा फैला रहा है ना भवानी, उसे टपकाना होगा, उसे मारना होगा। ए भवानी, तू क्या कर रहा? ए गाड़ी रोको। क्यों, क्या हुआ? लगता है बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, कितना खून बह गया है। कम से कम पता तो लगा लेगी मरने वाला कौन है, उसके बाद पुलिस वालों को इत्तला कर देंगे। हेलो। अरे क्या हुआ, क्या मैं उसे पैसे दूं? उसे जान से मार दूंगा। किसका नाम लेकर वो क्या बात कर रहा है, आके देखता हूँ। ये एक्सीडेंट कैसे काहे को बिखरा? ओए, तुम क्या समझते हो? इंसानियत के नाते हमें अपना फर्ज निभाना चाहिए, समझ गए? डर लगता है तो तुम लोग यहीं पर रहो। चलो हम दोनों देखते हैं कौन है। एक काम करो, पलटते हैं, तुम जरा सी मेरी मदद करो। हाँ ठीक है। ये लो टैबलेट।
ये कांदीवली से आया है, ये बांद्रा वाले गोडाउन से पेमेंट आया है, ये काली के मर्डर का जो बैलेंस था वो है, और ये उसने भेजा है। डैडी ये सब क्या है? हीरो का बेटा हीरो बन जाता है और राजनेता का बेटा राजनेता बन जाता है, और मैं इतने बड़े गुंडे का बेटा हूँ, झट से किसी का मर्डर कर देता हूँ, लेकिन मैं बड़ा गुंडा कब बनूंगा? बताओ ना डैडी, कब बनूंगा? मेरी बात सुन, गुंडा बनने की हिम्मत जल्दी से किसी में नहीं आती, उसके लिए सर पे कफन बांध के चलना पड़ता है, इसलिए बहुत खतरनाक है, तुम भी संभल के रहो। ये और क्या कर सकता है, इसका रोज का बस एक ही काम है, लड़कियों को देख के इसका दिमाग खराब हो जाता है। बताना जरूरी है क्या? तुम अपना काम देखो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। नमस्कार भवानी जी। तू कौन है रे? मेरा नाम कांतिलाल शाह है। मैंने घाट कोपर के पास ही बहुत बड़ी खेती बाड़ी की 4 एकड़ जमीन ली है। उसका फुल पेमेंट भी कर दिया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहता हूँ तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ हाँ, पूरे 2 साल गुजर गए, मैं बहुत ही उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हें इतना करना है, तुम उस कमीने का गला पकड़ कर मेरे नाम पे अगर रजिस्ट्रेशन करा दोगे तो ये पूरे 10 लाख रुपए मैं तुम्हें दे दूंगा। देख लो, पूरे 10 है। हाँ, इसके अलावा और कितना है? इसके अलावा मेरे पास और 4-5 ग्राउंड भी है। कुल मिलाकर पूरे 6 करोड़ की जायदाद है। 6 करोड़? बहुत बड़ा बंगला भी है, और 1 साल के बाद ही उस जमीन का भी 6 करोड़ रेट होगा। ठीक है, तो मैं इसका 10 लाख रुपया दे देता हूँ। वो जमीन तुम ले लोगे? 10 लाख रुपया दे दूंगा तो मेरे नाम पे रजिस्ट्रेशन करवा दोगे ना? मैं नहीं मानूंगा, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, ये तो बहुत अन्याय है। मैं यहाँ पे अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आया था, तुम्हारे नाम पे करने के लिए नहीं। तुम मेरे पास आए हो मेरी बात मानने के लिए ही ना? मैं नहीं मानूंगा। 10 लाख दे रहा हूँ ना। 10 करोड़ दोगे तो भी नहीं मानूंगा, 10 लाख क्या चीज है? जो मैं कहता हूँ वही होता है। नहीं मानूंगा। उसको बुला कर मैं रजिस्ट्रेशन खुद करवा लूंगा। तो 10 लाख रुपए में लेकर जाओ ना। तुम मुझे देने के लिए पैसे लाए हो ना? मैंने अभी लिए नहीं है ना, नहीं। तो वो पैसे तुम्हारे पास ही है ना? हाँ, रुपये तो मेरे पास ही है। लगता है कुछ भूल गया, ये तुम्हें देने थे ना? जल्दी दे। ले लो। अब दफा हो जा। तेरी किस्मत अच्छी है जो तू बच गया, अगली बार अगर सामने आ गया। क्या फिर से स्ट्राइक? हटो हटो हटो, खड़े होके क्या देख रहे हो? सुनो, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है? सर, मैं यहाँ स्ट्राइक अलाउ नहीं करूँगा। हेलो, द ग्रेट प्रिंसिपल ऑफ इंडिया। मेरे विद्यार्थी इतने ऊपर चले गए हैं? पढ़ लिख कर नहीं, ऐसे ही गए हैं। ऐसे ही गए हैं, लेकिन क्यों? वहाँ से नीचे कूदने के लिए। आत्महत्या करने वाले? आत्महत्या? आत्महत्या करने जैसा क्या हो गया है? ओ फोर मंकीज, नीचे उतर के आ जाओ। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने तक नहीं उतरेंगे। हम लोग यहाँ से नीचे कूद कर आत्महत्या कर लेंगे। मीडिया वालों को यहाँ पे बुला लो। सारे पेपर वालों को भी बुला लो। उनको आके देखने दो, हमें पूरी पब्लिसिटी मिलनी चाहिए। अबे अबे, नीचे गिर जाएगा। मुझे छोड़ दो, मैं उतर जाता हूँ यार। बड़ी मुश्किल से भीड़ जमा की है। ए, सबको तुमसे प्रॉब्लम होती है, तुमको क्या प्रॉब्लम है? हमारी फीस कम होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चंस इजी होने चाहिए, और उनके मार्क्स ज्यादा मिलने चाहिए। स्टूडेंट्स की पढ़ाई सबसे आसान होनी चाहिए। हाँ हाँ, आसान होनी चाहिए। हमें सब्जेक्ट में 1 नंबर से फेल कर देते हैं ना, तो दूसरे जिस पेपर में ज्यादा नंबर आते हैं उसमें से निकाल कर जो फेल है उसे पास करना होगा। हमारी फाइनल मांग, हर सब्जेक्ट में गैस नंबर डालने की सब्सिडी चाहिए। चाहिए चाहिए चाहिए। हमारी सारी मांगे मानकर अगर हमें लिख कर देंगे तभी उतरेंगे, नहीं तो हमारी मौत के जिम्मेदार प्रिंसिपल के आर श्रीवास्तव जी ही होंगे। ऐसे चिट्ठी लिख कर मैंने जेब में रखी है। उसके बाद तुम्हें फांसी होगी, इस बात की गारंटी है। वेलकम बैक टू RGMFM, लाइट लाइट कूल कूल। इन 4 मंकीज के लिए मैं आपसे सवाल करती हूँ, ये छलांग नहीं लगाएंगे या ये छलांग लगाएंगे? एक एक करके छलांग लगाएंगे या सबके सब एक साथ छलांग लगाएंगे? अगर आपका जवाब 1 है तो ए टाइप कीजिए, 2 है तो बी टाइप कीजिए, और अगर तीसरा है तो सी टाइप करके 6060 को SMS कर दीजिए। इसकी तो सॉरी फॉर द ब्रेक। क्यों बच्चों, क्या कर रहे हो? SMS? जी हां, देरी की। ऐश्वर्या की आंखें कितनी, अमिताभ के घर का नाम क्या है, दूध कौन कौन से जानवर देते हैं, ऐसे सवाल क्यों पूछे जाते हैं पता है? क्यों सर? टीवी वाले, नेटवर्क वाले लोगों को धोखा देने के लिए। जो पागल नहीं हो बेचारे पागल खाने में हैं, और जो पागल हैं वो ऊपर चढ़ के अक्लमंदी का ड्रामा कर रहे हैं। ए मंकी बॉयज, कम ऑन इसे, कम ऑन। हम लोग पागल नहीं हैं, हम अपनी जान दे सकते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अरे यार, ये हमारे साथ ऊपर कैसे आया, ये कर क्या रहा है? अरे ओ करीम, तुझे क्या हुआ है, तू वहाँ ऊपर क्यों चढ़ा? कॉलेज से मेरी कैंटीन उठाने की बात हो रही है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इन बच्चों को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। हाँ?
इसीलिए मैं अल्लाह के पास जा रहा हूँ। मेरे मरने के बाद कैंटीन इन बच्चों को दे देना और इसके लिए सारे बच्चे गवाह हैं। अल्लाह मुझे अपना बाल दिला दो। मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। आखिर तुम्हें किस बात का दुख है? तुम क्यों मरना चाहते हो? हाँ, तुम्हारा दुख मैं दूर करूँगा। पैसे चाहिए तो बोलो, मैं देता हूँ। सबकी जिंदगियों में दुख है, तुम्हारे दुख मुझसे देखे नहीं है। सरकार की बात कर, तुम्हारा काम मत बिगाड़ो, मैं पब्लिसिटी चाहिए। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे मरने दो। अल्लाह चुप रहो। सर ये ऊपर से कूदना चाहता था। तुम तो ऐसे नीचे उतर लाए ना, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैम साहब, एक्टिंग कैसी की मैंने? बहुत अच्छी की ना? वेरी गुड, सुपर्ब। चौंकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नीचे उतारने के लिए मैंने छोटा सा प्लान किया था। बाहर वाले आके प्लान कैसे कर सकते हैं? केवल यहाँ का स्टाफ ही प्लान कर सकता है। हाँ, इसीलिए मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैंने ही डिसीजन ले लिया। यानी मैं इस कॉलेज में नई लेक्चरर आई हूँ। दिस इज माई अपॉइंटमेंट। अगली बार एक्टिंग करवाना बोल देना। देखो, आज रोजाना राजनेता लोग जुलूस निकालते हैं, धरना करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट्स किसी बात के लिए हड़ताल किया करते हैं तो उस हड़ताल के पीछे कोई खास मकसद हुआ करता है। जैसे हैदराबाद के मुख्यमंत्री, वो लोगों के लिए अपने प्राण देकर अमर हो गए, मगर तुम लोग क्या कर रहे थे? इसलिए मैं लोगों के हाथ में अब भी टीसी रख देता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ इन्हें। नो सर, इनकी गलती पे सजा देने वाले हम पुलिस वाले नहीं हैं, इनकी गलतियों को सुधारने वाले लेक्चरर्स हैं। करेक्ट, करेक्ट मैडम, करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। स्टूडेंट्स को ना समझने वाले लेक्चरर्स हर तरह से देखा जाए तो क्रिमिनल्स हैं। सो तुम्हें पाठ पढ़ाने से पहले तुम लोग मुझसे क्या पूछना चाहते हो ये मैं जानना चाहती हूँ। हमें फ्रेंड्स बनकर रहना है और उसके लिए इसी पल से मैं भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट बन के रहूंगी। तुम्हारी जरूरत क्या है जानकर उसका मैं समाधान करूंगी। हाय बॉयज एंड गर्ल्स, मेरा कहा ठीक है ना? हम स्टडी एंजॉय करेंगे, क्यों करेंगे ना? अध्यक्ष महोदय, गर्मियों का सीजन पूरा हो गया, बरसात का सीजन भी पूरा हो गया और अब सर्दियों का सीजन आने वाला है। असेंबली हॉल में सेंट्रल एसी लगा है ना, गर्मी लगती है तो बाहर चले जाओ। ऐसा थोड़े ही होता है। एक सेकंड का 60,000 रुपया, एक मिनट का 170, एक घंटे के 6 लाख, रोजाना के करोड़ों रुपए इस तरह वेस्ट किए जाते हैं। जब देखो तब यही। आज तक हमने इनके पास से जितने भी सवाल उठाए हैं उनमें से एक का भी ठीक से जवाब नहीं दिया, बात बदल देते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत जरूरी बात है, ये हमारे विपक्ष के जो नेता हैं हमेशा इन्हें कोई ना कोई संदेह रहता है और जब इनसे पूछते हैं तो गोलमाल कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्या किया है उसके बारे में अगर अपना ब्यौरा दें तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही। अध्यक्ष महोदय, आप सब लोग जानते हैं हमारे राज्य में जितनी शुगर फैक्ट्रीज हैं वो नुकसान में चल रही हैं, जिसके कारण हमारे राज्य को काफी नुकसान हो रहा है और इसीलिए मैंने काफी सोच कर एक फैसला लिया और वो यही, उन शुगर फैक्ट्रीज को प्राइवेट कर दिया और उसकी आमदनी से वर्ल्ड बैंक का ब्याज भरता हूँ। और भी बड़े बड़े काफी काम किए और ये राज्य के हित में है। अरे ओ मुख्यमंत्री, वो किनको दी, प्राइवेट में या पर्सनल में? अपने दामाद को, अपने भाई को। सिंगापुर में जो तुम्हारा साला रहता है उसको दी ना, इसलिए हमारी पार्टी वॉकआउट करेगी। वॉकआउट करके बाहर जाने वाले थे, फिर से वापस क्यों बैठ गए? बाहर चले जाओ, कम से कम हाउस तो शांत रहेगा। अरे वाह, अगर हम बाहर चले गए तो ये अंदर ही रहेंगे और ये राज्य पूरा हड़प लेंगे। असल में जो 7 फैक्ट्रियां इन्होंने अपने ही लोगों को दी है उसका पूरा ब्यौरा मुझे माफ करना अध्यक्ष महोदय। अगली बात रखिए। एक एक फैक्ट्री में पूरे 3-3 लाख करोड़ का फायदा होता है। ठेंगा, उसके बदले करोड़ों का माल तुमने अंदर कर लिया ना। तुमने क्या किया था, 2 लाख करोड़ हड़प गए थे, जब तुमसे पूछा गया तो 1 लाख करोड़ बताया, बाकी का कहाँ गया? वो सब अंदर कर दिया और नुकसान दिखा दिया, सोचा सब लोग विश्वास कर लेंगे। अगर बात है तो प्रूफ दिखाइए, अगर वो प्रूफ सही है तब हम मानेंगे। सही कहा, जब ये राज्य के मुख्यमंत्री थे ना, पार्टी के लिए रोज बिरयानी, करोड़ों का खर्चा होता था और पब्लिक को क्या दिखाया? अरे वही। मेरी बात सुनो सीएम, इसके अलावा इलेक्शन के नाम पर जो लोगों से फंड आता है उसके लिए तुम इधर बैठो, हम वहाँ जाके बैठते हैं। हाँ तो इसमें क्या हुआ, हम लोग आज ही रिजाइन करते हैं, हम बाय इलेक्शन में जीते हैं नहीं देख लेंगे। तुम्हारे सामने रिजाइन करेंगे। हाँ, रिजाइन करेंगे। अभी अभी जो तुमने कहा तो ठीक है, हम और हमारी पार्टी इसी समय इस्तीफा देगी। बाई इलेक्शन में हम लोग जीतते हैं या तुम लोग जीतते हो देख लेंगे। मेहरबानी करके बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए।
ये लो मेरा इस्तीफा और ये मेरा इस्तीफा। अच्छा हुआ जल्दी इस्तीफा दे दिया, मेरा बीपी ठीक रहेगा और भी शांत रहेगा। इस राज्य की सारी जनता को सादर नमस्कार। आज ये नौबत आई है विपक्ष की वजह से। अगर इस चुनाव में भी तुम मुझे जितवाओगे तो पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की फीस में कटौती करवा दूंगा। मेरी बात सुनिए, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, भाव बहुत बढ़ गए हैं, मैं फ्री कर दूंगा। और जितने बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। और आज जो पेट्रोल का भाव है उसमें 2 रुपए की गिरावट होगी। महंगाई जिसकी वजह से बढ़ी है उसके लिए पेट्रोल और डीजल एकदम आप लोगों के लिए फ्री करके मैं हिंदुस्तान की महंगाई एकदम कम कर दूंगा। कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे? चुप रहो ना भाई। इन्होंने जो कुछ आज किया है सब शहर में दिखाई दे रहा है। सड़कें नहीं बनेंगी, बिजली की कटौती दूर होगी। मैं वादा करता हूँ मैं खुद गरीबों की बस्ती में जा जाकर उनसे मिलूंगा, इतना ही नहीं गरीबी दूर करूंगा। अरे बाप रे, ये क्या बोल रहा है? अगर कोई किसान आत्महत्या करता है तो मैं 10 लाख दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, गरीब लोगों को टाटा की नैनो कार दूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं ड्राइवर भी दूंगा, मगर वोट मुझे ही देना, नहीं तो मैं पूरी तरह लूट जाऊंगा। जितने भी वोटर हमें वोट देंगे उनके घरों में हम एसी लगा देंगे। आपका वोट मुझे ही मिलना चाहिए। दुबई मस्कट जैसे अरबस्तान के जहाजों से मैं आप लोगों के लिए बादाम आयात करूंगा, मूंगफली की तरह खाने के लिए। करोड़ों लगेंगे, करोड़ों लगेंगे। मिलॉर्ड, मैं अपना केस खुद ही लड़ूंगा, वकीलों पर यकीन नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रेशर से दब जाते हैं। थैंक यू मिलॉर्ड। ये जो लोगों से वादा करते हैं वो लोगों को धोखा देने के लिए करते हैं। ऐसे राजनेताओं को सबक सिखाने के लिए मैं आम जनता में ये बात फैलाना चाहता हूँ कि इन लोगों के धोखे में ना आए। इसीलिए इस केस में मेरी जो डिमांड्स हैं वो आपके सामने हैं। चाहे कोई भी MLA हो या MP हो, एक बार अगर वो जीत जाए तो वो अगले 5 सालों तक रिजाइन नहीं कर सकता। और अगर किसी वजह से कोई कैंडिडेट रिजाइन करता है तो बाई इलेक्शन का पूरा खर्च रिजाइन करने वाले कैंडिडेट को उठाना पड़ेगा। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, रिश्वत के नाम पे जो पैसा लेते हैं उससे अपना घर भर के गरीबों को और गरीब बनाने पे तुले हैं। इस बाई इलेक्शन में जीतने के लिए दोनों तरफ के नेता लोग जानते हैं उन्होंने कितने वादे किए, बालों की तरह जो गिने नहीं जा सकते। लेकिन आज की रूलिंग पार्टी के 15 मेन लीडर्स और विपक्ष पार्टी के 15 मेन लीडर्स इलेक्शन में जीतने के बाद भी उन्होंने जो लोगों से वादे किए हैं वो पूरा करेंगे, उन्हें लोगों के सामने लिख कर देना होगा। अगर वादे से मुकरते हैं तो उनके नाम पर, बीवी के नाम पर, बच्चों के नाम पर और जब बेनामी जितनी भी संपत्ति है वो सब बेच कर लोगों को दिए गए वादे पूरे करेंगे। ऐसा स्टैम्प पेपर पर लिख कर रजिस्टर करा के कोर्ट में सबमिट करना होगा मिलॉर्ड, सबमिट करना होगा, वरना उन्हें इलेक्शन में खड़े होने का हक नहीं, ये कोर्ट डिक्लेयर करे। He is correct. ये तो वही बात हुई योर ऑनर, जब माँ अपने छोटे बच्चे को खाना खिलाती है तो चंदा मामा का गाना गा गा कर उसे खाना खिलाती है, लेकिन चांद कभी उसके पास नहीं आया तो झूठ बोल के जो माँ खाना खिलाती है उसे अरेस्ट करना होगा। ऐसा करना होगा। इतना ही नहीं, जिस गाने की बात की गई है जो छोटे बच्चे को धोखा देता है उस गाने पर भी बैन लगाओ। सर इस केस को जरा सीरियसली लें, क्योंकि ये हमारे जज्बातों से खिलवाड़ कर रहे हैं। सर, आई एम ए लेक्चरर सर, आई एम ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन सर, दागी राजनेताओं को गोली मार देनी चाहिए सर, ये गंदी पॉलिटिक्स खत्म हो जानी चाहिए सर। ये केस जरा औरों से हटकर है, दूसरे न्यायाधीशों से मिलकर विचार विमर्श करेंगे। मिलॉर्ड थैंक यू मिलॉर्ड थैंक यू। इस विषय को गहराई से लेते हुए मैं इलेक्शन कमीशन को सख्त हिदायत करूंगा। केवल इतना ही नहीं, आपके द्वारा दिए हुए जितने भी सुझाव हैं वो सभी राजकीय पार्टियों को दे दिए जाएंगे। बाप रे, उसने तो हमारी दुकान ही बंद करवा दी। क्यों माँ जी, तुम्हारी पार्टी ने अच्छा हल्ला मचाया, विधानसभा ही बंद करवा दी ना, अब क्या करने का इरादा है? तुमने आज के पेपर में हेडलाइन पढ़ी होगी ना, उसी के सिलसिले में। अरे ये क्या, कटहल नहीं खाए क्या? ऐसे तो तुम कमजोर हो जाओगे। नहीं भैया, 3 खा चुका हूँ, ये 2 तो वेटिंग में है। समझ गया, मैं तो पहले ही जानता था। कोई काम निकलवाना है ना, बोलो भैया। अब क्या बताऊँ मिश्रा जी, इस मुख्यमंत्री ने तो बस ये गमछा ही संभाल के रखा है, इसी में मेरी इज्जत समाई हुई है। 10 रुपए की चीज की इतनी वैल्यू दिखा रहा। छी, ये छोटी सी चीज नहीं है, पॉलिटिशियन के लिए बहुत बड़े काम की चीज होती है ये गमछा। कंधे में डालो तो ग्लैमर आता है, ऐसे करो तो अपमान से बचते हैं। असेंबली में गर्मी लगे तो ये रुमाल का काम करता है,
घर में इसे बिछाकर आराम से सो भी सकते हैं। वोटरों के सामने झोली बन जाता है, नोट इसमें डाल के बांधे तो ये गठरी बन जाता है, वक्त आने पे शांति का झंडा बनता है, अगर पकड़े जाए तो इसी से मुंह छुपा लेते हैं, अगर कोई मुंह पे थूके तो इसी से साफ कर लेते हैं, इतने सारे काम आता है ये गमछा। एक बोला भूल गए, एक बोला भूल गए। वो क्या? मरने के बाद कफन का काम करेगा। तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू अपना मुंह बंद रख। अपने अंगोछे की बात छोड़, जिस काम के लिए आया है वो बोल। सत्यमूर्ति नाम के मास्टर ने जीना हराम कर दिया है, हमें रोड पे लाना चाहता है, उसे दुनिया से उठाना है। तुझे पैसे भिजवा दूंगा, बस उसे टपका दे। सुन, इस शहर में मैं और भवानी दो ही है, उस मास्टर को मैं अपने एरिया में ही मारूंगा। ऐसा भी है क्या? तुम नेता लोग की जात हम गुंडे लोग अच्छे से जानते हैं, झोलियां भर भर के लेते हो, कटहल से भी बड़े बड़े। अरे क्या हो गया मुख्यमंत्री जी, आप तो पॉलिटिकल लेवल में तुम हमारी स्टाइल इस्तेमाल करते हो। उसने हमारी कमर तोड़ी है, मेरी और मेरी पूरी पार्टी की इंसल्ट की है। मुझ पे डाउट करने वाला जिंदा नहीं बचना चाहिए। एक बार तो वो कमीना पहुँच गया, दोबारा कोर्ट तक ना पहुँचे। हमें प्रोफेसर सत्यमूर्ति का मर्डर करना होगा। यस, प्रोफेसर का मर्डर करोगे? क्यों, सोचकर ही डर लग रहा है ना? आजकल सत्यमूर्ति सब जगह छाए हुए हैं, हर टीवी चैनल में उनके बारे में ही बोलते हैं। वैसी पब्लिसिटी हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें स्केच बनाना होगा। हे, ये स्केच नहीं है, मर्डर प्लान है, इससे पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, हम नहीं करेंगे। अरे हम लोग नहीं यार, गुंडों से उसका मर्डर करवाएंगे। हे, गुंडों को रहने दो यार, हम भी मुजरिम बन जाएंगे। हे, तू चिंता मत कर यार, हम लोग जूनियर आर्टिस्टों को गुंडा बनाकर ये काम करवाएंगे। जहाँ भी सत्यमूर्ति जी अकेले दिखेंगे, वहीं पर वो लोग उन पर अटैक करेंगे। यस, डियर सीनियर आर्टिस्ट, तुम हमारे मास्टर पर अटैक कर उन्हें मारोगे। लेकिन कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, चाकू नकली होना चाहिए, एक खरोज भी नहीं पड़नी चाहिए। अगर हम बीच में आए तो हम लोगों को भी मारना। तुम अपनी बात से मत बदलना, ये सब कैमरे में मैं शूट करूंगा, बस कैमरे को कवर मत करना। जैसे ही मैं सिटी बजाऊं तुम लोग भाग जाना। आधा एडवांस चाहिए। एडवांस क्या, पूरा ले लो, लेकिन नो रीटेक, सिंगल टेक। अब मास्टर को बचाने के लिए हम हिम्मत वाले स्टूडेंट्स हैं, ऐसी हमें पब्लिसिटी मिलेगी। रेडी फॉर मर्डर, डमी। सुनो, एक बंडल पेपर, पेन, पेंसिल, स्केल। कुछ नहीं है। अरे अरे क्या हो गया? ए, अचानक दुकान बंद कर दी, पागल हो गया है, थोड़ी भी इज्जत नहीं है मेरी। हाँ सुनो भैया, एक बंडल पेपर, पेन, पेंसिल। अरे ये दुकान क्यों बंद कर दी, आज बंद है क्या? कब दुकानें खुलती हैं, कब दुकानें बंद होती हैं, कब हड़ताल होती है पता ही नहीं चलता। क्या यही डेमोक्रेसी है? ये सब क्या है? रोड ब्लॉक कर रहे हो, तुम्हारे बाप का राज है क्या? यूजलेस लव, सेंसलेस कर रहे हो क्या? नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है, हटाओ से। रुक जा भैया, इत्मीनान से, लगता है इनका दिमाग खराब हो गया। रोक, इज्जत से बात करो। रुक जा। Hey, तुम लोग मुझ पे जुल्म कर रहे हो, तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, कोर्ट में खींचूंगा। मेरे एरिया में नहीं होना चाहिए ये, मेरे एरिया में हो रहा है, ऐसा हमारे एग्रीमेंट में नहीं था। ये सब क्या है? Hey, रुको। Hey, अपने लोगों को लेके यहाँ से जाओ, जल्दी जाओ। तो मेरे एरिया में क्यों आया? इस जगह पे तू क्यों आया? Hey, कॉलेज के लड़के आ गए, यही कहीं सब लोग अनजान बन जाओ। लगता है वो अभी तक आए नहीं है, अपना चेहरा छुपा लेते। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, सब संभाल लेना। जी अच्छा, मास्टर जी का वीडियो ठीक से निकालना, लो एंगल टॉप एंगल अच्छा निकालना, क्लोजअप में अच्छे से दिखना चाहिए। ओके, मिस मत करना। ए, हमारे प्रोफेसर अभी तक नहीं आए यार, जिन्हें बुक किया था वो भी नहीं आए। कैमरा रोलिंग सर। अरे यार जरा चुप रहा ना बॉस, मैं यहाँ हूँ। आवाज कहाँ से आ रही है? सही वक्त तुम लोग आए सर, यहाँ कैसे, अंदर कैसे? आवाज नहीं, बाहर गुंडे लोग हैं, डेंजर, फिर से हमला कर सकते हैं। अरे यार इन पे तो अटैक शुरू हो गया। अरे यार हमारा काम आसान हो गया सर। गो बॉयज गो, वो लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, जाके पुलिस को फोन करो। पुलिस की चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं, आप पहले बाहर आइए। नहीं बच्चों, नहीं, आप डरिए मत, हम लोग हैं ना, बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए, आराम से, आप कुछ नहीं होगा। हां निकल, आराम से, आराम से, आराम से। छिप गया था। ए, हमने जिन्हें बुक किया था वो तो कब के आ गए? है वीडियो, वीडियो ठीक से निकाल। रोलिंग सर। जय हनुमान।
तो सचमुच में मार रहे हैं। सर आपने जिन्हें बुक किया था वो पूछ रहे कहाँ आना है? ओरिजिनल है, ओरिजिनल है सर। आप सही है, किसी को टेंशन नहीं देगा। इसकी सांस भी खत्म हो जाती है। सोच के दुखी मत होना, लेकिन न्याय के लिए लड़ना, मेरे लक्ष्य को पूरा करना, प्लीज मेरे लक्ष्य को पूरा करना, पूरा करना। यह हत्या है या आत्महत्या, इसका पता लगने तक पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ इस केस की छानबीन कर रही है। ए, वहाँ कहाँ जा रहे हैं? वो तो मिश्रा जी का घर है। डेंजर, कम बैक विद द डॉग्स। अरे अरे, ये क्या, ये तो भवानी जी का घर है, हमारे डॉग्स पे बैन लग जाएगा। कम है, पुल द डॉग्स। ओह, वहाँ कहाँ जा रहा है? वो मंत्री जी का घर है। कम बैक, पुल द डॉग्स, पुल द डॉग्स, कम बैक। नमस्ते सर, मैं तो ड्राइवर हूँ। तो फिर साहब कहाँ हैं? ड्राइविंग सीट पे। गुड मॉर्निंग मुंबई। अरे तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पुलिस की गाड़ी को पुलिस वाला ही ड्राइव करे, कोई और ड्राइवर नहीं। दैट्स माय पॉलिसी आई से। ये क्या, तुम लोग ऐसे खड़े हो जैसे शॉक लगा हो। What happened? ये पुलिस प्रोटोकॉल है सर। ऑफिसर जब बाहर निकलते हैं तो बाहर भूकंप सा आ जाता है। बाप रे, सॉरी भूल गया। दरअसल ट्रेन में ऐश्वर्या मिली थी। ऐश्वर्या? स्टेशन में सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी, इसलिए अपनी कार में ले आया। एक बार अमिताभ बच्चन भी मिले थे। अरे मैंने मजाक किया था, तुम्हारा प्रोटोकॉल कितना स्ट्रॉन्ग है देख रहा था। सॉरी सर। ऐश्वर्या का नाम सुनते ही मक्खियों की तरह चिपकने लगे। चेक। हाँ, शाबाश। हाँ सर, आप तो कांदीवली में उतरने वाले थे। हाँ हाँ हाँ, आपको रिसीव करने के लिए हम लोग गए हुए थे। लेकिन आप तो दादर में ही उतर गया, वहां से टैक्सी में आया। क्यों, अगर कांदीवली में उतरता तो पूरी मुंबई के अंदर तहलका मच जाता। तुम लोगों का यही मानना है ना, पुलिस की गाड़ी में सायरन क्यों लगाया जाता है? चोरों को पकड़ने के लिए या उन्हें भगाने के लिए? आज के बाद से नो सायरन, नो साउंड, सब कुछ साइलेंटली होना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। वाओ, ब्यूटीफुल। सही मुहूर्त में पुलिस स्टेशन में आया हूँ, और यहाँ की आव भगत बहुत सुंदर है। सुपर। कौन सा गुनाह किया है? सेक्शन ए, बेल या नॉन बेलेबल? कम ऑन स्पीक सर। सर हाँ, ये यहाँ के इंस्पेक्टर है झांसी किरण। ओ सॉरी झांसी किरण,
मगर ये साड़ी क्यों? सर आज सावन का पहला शुक्रवार है ना? अब शुक्रवार हो या सोमवार, तुम्हें यूनिफॉर्म में ही आना होगा। सपोज सर अगर तुम साड़ी पहने चेयर पर बैठोगी और किसी चोर से सवाल जवाब करोगी तो प्यार की नई कहानी चोर पुलिस ऐसा पेपर में छपेगा, तो ये जरूरी है क्या? सो कल से ही यूनिफॉर्म में ही आऊंगी सर। या यू गॉट माय पॉइंट। चेक दे इंडिया। जो सर इसने क्या किया? सर ये बहुत कमीना है सर। नो 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 नो, मुझे कमीना बोल के मुझ पर दाग लगाया जा रहा है। मैंने अपनी चोरी का 99 का आंकड़ा पार कर लिया है। ये मैंने अपनी 100वीं चोरी की गिनीज बुक में लिखवा कर रॉबरी चोरी का इस्तीफा देकर जब मैं राजनेता बनने जा रहा था उसी वक्त मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया सर। वेरी इंटरेस्टिंग, ब्रिंग हिम आउट। चेक दे इंडिया। इसके अलावा तुम और क्या करते हो? बहुत बड़े काम करता हूँ, चोरी से भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जाली नोट भी मैंने प्रिंटिंग किए हैं सर। अरे वाह। हाँ, एक काम और किया, नोट में गांधी जी की फोटो के बदले अपना फोटो, गवर्नर के साइन के बदले मैंने अपना साइन कर दिया और पकड़ा गया। सर आप मुझे एक और मौका दीजिए, इस बार परफेक्ट प्रिंटिंग करके मैं 25% आपके थाने में फ्री में पहुँचाऊंगा। ऑल कंट्री नोस। वेरी गुड, बदलेगा तो नहीं ना? हर महीने आपका इंक्रीमेंट भी करूंगा सर। एक्सीलेंट। चक दे। चुप, चल भाग। ये क्या सर, इतने बड़े क्रिमिनल को छोड़ दिया? क्यों रे? तुम्हारी हाइट इतनी कम है, पुलिस की नौकरी कैसे मिली? सर वो जो स्पोर्ट्स का कोटा होता है ना, उसमें आधे डिस्काउंट के ऊपर आए हैं। समझाने जरा एक बार फिर से बता। हमारी हाइट कम है ना, लेकिन हाँ। हमारा वजन जो है बहुत ज्यादा निकला। ये है असली बात। उन्होंने समाज के लिए जान दी, सोचा विद्यार्थियों का साथ मिलेगा, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया। तुम्हारे अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हो। अगर जरा सा सोचा होता तो आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। जरा ठीक से सोच के देखो। हाँ मैडम, वो समाज को बदलना चाहते थे, देश के लिए कुछ करना चाहते थे, उनका बीच रोड में खून कर दिया। सारे स्टूडेंट्स उनके घर पे जाकर आज न्याय के लिए आवाज उठाएंगे, उन्हें सबक सिखा कर देंगे, ताकि वो तुम्हें भी मार डाले, तुम्हें भी आतंकवादी और रउडी बना देंगे। जिस तरह से हमने सबूत इकट्ठे किए हैं, अब उन्हें सही जगह पहुंचाना है। अब ये सबूत सही हाथ में जाना चाहिए। 50 रुपया किलो, 50 रुपया किलो, 50 रुपया किलो, 50 रुपया किलो, 50 रुपया। ये क्या है? तो मूंगफली बेच रहा है लेकिन दाम किसी और के बोल रहा है, ऐसा क्यों? जो भी आता है भाव तोल करके लेता है। करारी मूंगफली है ना, चुन चुन के लेते हैं, जिसको जैसी पसंद होती है वैसे ले लेते हैं। ये करारी मूंगफली। हाँ सही कहा। सर यहाँ जो नए एसीपी आए हैं, क्या वो आप हैं? हाँ, यहाँ आने वाला जो था वो आ गया है और ये बात सबको पता चल गई है। Yes, what can I do for you? सर, हमारे कॉलेज में सत्यमूर्ति नाम के प्रोफेसर थे, उनका बेरहमी से खून कर दिया है। इतना ही नहीं, और उसके कुछ ही दिन बाद आत्महत्या का केस बना के क्लोज कर दिया। आप नए आए हैं, आप ये केस रीओपन करेंगे ये हमें उम्मीद है। हाँ सर, इस खून में लोकल गुंडे और राजनेताओं का बहुत बड़ा हाथ है, ये सच है। इस केस में किसी को नहीं पकड़ा सर। उस वक्त तुम लोग क्या कर रहे थे? हमारी आंखों के सामने उन गुंडों ने उन्हें मार डाला, छुरा घोप घोप कर उनका मर्डर कर दिया। हाँ सर। हाँ सर, हम सच कह रहे हैं। हाँ, कूल कूल कूल। पुलिस को चाहिए तुम्हारी बातें नहीं, सबूत। वो है क्या? हाँ है सर। ओ हा, वो सबूत मेरे पास है सर। अच्छा। हाँ दिखाओ जरा, देखो। हाँ जल्दी दिखाओ। मिस्टर, मैडम के कंधे पर हाथ क्यों रखा? हेलो, दिस इज टू मच। हटाइए अपना हाथ, हटाइए। ओके ओके ओके, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। तुम लोग सबूत दिखाने वाले थे ना, इसलिए जरा सा उत्तेजित हो गया, इसीलिए जस्ट लाइक जल्दी दिखाओ, नहीं तो ये उत्तेजित हो जाएंगे। हाँ, मैं भी कॉलेज से ही आया हूँ। हाँ बहुत क्रूरता से मारा है, यही सबूत है ना? जी हाँ सर। यहाँ बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये सबूत उन्हें क्यों नहीं दिया? क्योंकि किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। हा? तो मेरे ऊपर इतना भरोसा? मेरे लिए आखिरी भरोसा है। ओह थैंक यू, ये सबूत काफी है। अब देखना, 24 घंटे के अंदर उन्हें पकड़कर अपने पैरों के नीचे उन्हें मसल कर रख दूंगा। अब तुम जाओ। थैंक यू सर। रुको। लेकिन 24 घंटों तक कोई गलाटा नहीं। ओके। थैंक यू।
ओए हाँ जी मूंगफली दे, ये लीजिए ना। ये वाली नहीं, डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका। ये क्या बेच रहा है बे? ये धंधा और कौन करता है? दो जने और करते हैं। उनसे बोल देना सिटी में कूल ऑफिसर आया है, चाहे कुछ भी बेचे 50% डिस्काउंट। ओके ये बात है तो अभी जाके बोल। अब खिसक ले, धीरे से खिसक ले। भैया क्या हुआ? आ गए हैं, बोरी भर के गोडाउन में डाल दे। ठीक है भैया। एक्सक्यूज मी, क्यों भैया? भवानी भैया। कौन है तू? मैं एक पुलिस वाला हूँ। वो तो यहाँ नहीं आते हैं। हाँ? आना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या करूँ भैया, मैं तो आ गया। क्यों, किस लिए? तुम लोगों को यहाँ से खींच कर थाने में बंद करने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ सत्यमूर्ति मर्डर। जल्दी से हमको फोन लगा, इसने शेर की मांग में हाथ डाला है। तुम्हारा एक पुलिस वाला मुझे पकड़ने के लिए आया है। ए, ट्रांसफर नहीं, बस ऐसा करो कि मेरे लिए कोई परेशानी ना हो। मैंने सिर्फ आईपीएस की पढ़ाई नहीं की है, तुम जैसे क्रिमिनल्स को भी बहुत देखा है। ये सबूत कल कोर्ट में पेश करने वाला हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट, कम ऑन मूव। तुम पुलिस वालों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुझे कितना चाहिए बोल? मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ। 10 लाख रुपया दूंगा। तू मुझे क्या समझता है? 15 लाख दे दूंगा। अब अगर कुछ भी बोला तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। ठीक है, 20 लाख देता हूँ। मैं आसानी से बिकने वाला नहीं हूँ, जान से मार डालूंगा। फाइनली पूरे 25 लाख रुपया देता हूँ। तो फिर ठीक है। या भवानी, कैश? कैश दूंगा। वैसे ये सबूत इतना काफी नहीं है, मैं तो बस यूं ही बोल रहा था, रेट बढ़ाने के लिए जरा सा बिल्डअप। थोड़ी देर के लिए तूने परेशान कर दिया। लेकिन एक बात कहूँ साहब, आज तक मैं कभी भी किसी से इतना नहीं घबराया। पहली बार तुम्हें देखकर मैं थोड़ा सा घबरा गया। अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए कोई काम हो तो बोल देना। कब्जा, रेप, मर्डर, वसूली, चाहे कुछ भी हो, केस मैं क्लोज करूंगा। परसेंटेज के हिसाब से मेरा हिस्सा पहुंच जाना चाहिए। ओके, पुलिस वाला हमारे साथ में मिल गया है। कोल्ड ड्रिंक, हॉट ड्रिंक? ओनली हॉट कैश, 25 LC। यार गोडाउन से पैसों की बोरी निकाल के लाओ। ये लो भैया। ये माल कहाँ से है? दो एमपीओ ने मिलकर मुझसे एक काम करवाया था, उसके बदले में जो पेमेंट मिला ये वही है। ओ शाबाश, पूरे 25 लाख है, गिनने की जरूरत नहीं है। ले लो ले लो। ले लो। और तुम ये रखो, इसमें सिनेमा देखो देखो। ये कहाँ से मारा है? अरे तुम आम खाओ ना, गुटलियाँ क्यों गिनते हो? हेलो मैडम साहब, नमस्ते साहब, मेरी माँ का ऑपरेशन होना है, हार्ट प्रॉब्लम, वो बहुत सीरियस है, ऑपरेशन करने पर ही बच पाएगी। 2 महीने पहले मेरी छोटी बहन बीमार हो गई थी, वो मर गई, पैसों की वजह से उसे बचा नहीं सके। हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, मदद कर दीजिए वरना माँ मर जाएगी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अरे भैया ये क्या माधुरी है, तुम्हारे भाई है? हाँ मैडम सॉरी, हमें कभी बताया नहीं। पागल है क्या? लगता है इसका दिमाग खराब है। अच्छा खासा कलेक्शन करा था, बीच में आ गई। चुप कर, दोबारा अगर किसी को चीट करते हुए देखा तो हाथ पैर तोड़ डालूंगी, तब सच में भिखारी बन जाएगा, इडियट कहीं का। बढ़िया ही, कलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, इस मोबाइल से काम चला लूंगा। लेटेस्ट मोबाइल, सारी फीचरों के साथ, बहुत बढ़िया मोबाइल। ये क्या रे, मोबाइल बेच रहा है? देखिए साहब, एकदम नया है, फॉरेन का है। क्या सॉलिड फोटो रखी है मोबाइल के अंदर, सिस्टर की है, बहुत सुंदर है, मुझे पैसों की जरूरत है, बेचना चाहता हूँ। एक बार इसे मेरे पास ले आ। पीर बिरयानी खिलाएंगे तो ओके ओके मिल जाएगा। इतनी खूबसूरत होगी मैंने देखी नहीं यार। अरे, इसे गाली बजाओ। तुम उस पुलिस वाले के साथ मिल गए हो और अब तुम मुझे फंसाना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ए, याद रखना, मैं तुझे अपने ही हाथों से काट के रख दूंगा। आजा, दम हो तो हाथ लगा। झुमको झुमको, ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम लोगों को राज करने के लिए मैंने ये बांट बांट कर दिए। कोई नेता अगर बीच में आया तो मैंने भाई इलेक्शन करवा दिए, किसी का भी मर्डर करो उसके लिए बड़ा जाल बिछाया, लेकिन आपस में लड़ने के लिए मैं परमिशन नहीं दूंगा। झुमको झुमको। ये सिगरेट की बदबू कहाँ से आ रही है? पुलिस वाले के पास से। अपना ही आदमी है, मैंने इसे पेमेंट दी थी। ओहो,
दद्दो, इसी ने जानबूझ के बुलवाया है, ये जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ करेगा। जुमको, जुमको। क्या दद्दू, हाथ में ये खुकरी कैसी? हाँ, ये खुकरी तो हमारी कुलदेवी है, इसने बहुत से कारनामे किए हैं। इनसे तुम्हारे कनेक्शन है ना? मेरा कनेक्शन किसी के साथ नहीं है, ओनली कलेक्शन। पूरा प्रोग्राम तैयार करके आए हैं सर? हाँ, बिल्कुल नहीं, इस क्लब का बंद होने का टाइम आ गया है उसी के लिए। बिल्कुल नहीं, दरअसल तुम यहाँ गलत टाइम पे आए हो, तुम इस जुमको के बारे में नहीं जानते। अच्छा? निक्कर पहनने की उम्र में मैंने पहला मर्डर किया था। हाँ। इसी खुकरी से। अपनी उस छोटी सी उम्र में तुमने मर्डर किया? अच्छा, ये डॉलर कहाँ से मिला? ये ओलंपिक का विजेता एक बहुत बड़ा शूरवीर था। हाँ। उसे टपकाना पड़ गया, ये उसके गले में पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने पहन लिया और मैं विजेता बन गया। वाह, क्या बात है। ले रे पकड़ इसे, दरअसल ये दोनों के दोनों मेरी टांग खींचने वाले हैं, तुम्हारे पास का माल लूट कर गुंडों में बांटेंगे, इस क्लब के मालिक को मारकर इसे हड़प लेंगे, क्योंकि इनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है, तो ये क्लब और साथ में तुम्हें भी पूरी तरह ठिकाने लगा देंगे। और वैसे भी मैं तुम्हारी पूरी कुंडली जानता हूँ। जुमको। क्या जुमको? जल्दी इस क्लब को बंद कर दो। मैंने पैसे तो पहले ही दे दिए ना। वो केस क्लोज करने के लिए, क्लब का बंद होना रोकने के लिए नहीं। अरे तो इसमें क्या हो गया, मैं हूँ ना, मैं आपकी जेब भर दूंगा। चलिए चलिए चला जा। ये क्या पार्टी बदल रहे हो, जरा देखना ये आपस में क्या बोल रहे हैं। ओके मिश्रा, तुम क्या कहते हो? मेरे बारे में नहीं जानते हो? हाँ। लेकिन आपके बारे में मैंने सब कुछ पता लगा लिया। तो ठीक है, आपस में कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं? खाने लगा दूं? जरा रुक, ये जॉनी वॉकर आपके लिए है। ये खातिरदारी भवानी भी नहीं कर सकता। वो तो कह रहा था कि वो तुमसे बड़ा गुंडा है। अरे वो तो गली का गुंडा है, सत्यमूर्ति का मर्डर उसने किया, ऐसा पोज करता वो, जबकि उसका खून मैंने अपने हाथों से किया है। इसकी तो उसके लिए माजी सीएम ने मुझे 3 करोड़ रुपए दिए। मेरे हाथों में बड़े बड़े कलेक्टर हैं, बड़े बड़े वकील हैं, मैं जितने भी खून करता हूँ उनसे वही बरी करवाते हैं। हाँ। और पुलिस को आज तक कोई सबूत नहीं मिला। तो ठीक है, 130 लाख रुपए निकाल दो। दरअसल मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है, लेकिन उसमें मेरे नाम से तो कोई सबूत नहीं है ना। अरे वो तो गली का गुंडा है, सत्यमूर्ति का मर्डर। ये तो मेरी ही आवाज है, लेकिन कहाँ से आ रही है? मैंने अपने हाथों से किया है, उसके लिए माजी सीएम ने मुझे 3 करोड़ दिए। मेरे हाथों में बड़े बड़े कलेक्टर हैं, बड़े बड़े वकील हैं। वही परी करवाते हैं। इसने वाट लगा दी, 30 मांगे ना। हाँ, वो रिकॉर्डिंग से पहले का रेट था, अब पूरे 50 लाख। मैं उल्लू हूँ, पता नहीं क्या क्या बोल गया, खुद अपने जाल में फंस गया। सत्यमूर्ति के मर्डर केस का पेमेंट मुझे मिल गया, और अभी अभी जो बात हुई है उसका पेमेंट भी टेबल पर आ जाना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द शो। हवा चली
डिंक चिका डे। तुझे मोबाइल में देख के ही सेलेक्ट कर लिया। दावत भी दूंगा और 10,000 रुपए इनाम में भी दूंगा। तुझे अपने साथ ले जाके अपने क्लब में सॉलिड डिस्को डांस करवाऊंगा। अरे अरे सेक्सी, अरे चलना। मारती क्यों है? चुपचाप चलना। ऐसे नहीं ए भास्कर, तुम जाके पुलिस को बता दो, जल्दी जाओ। ए चलो पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाते हैं। ए फालतू बात नहीं, वो बताओ जो हुआ। इसके खिलाफ रिपोर्ट लिख के फौरन कार्रवाई करो, वो पता नहीं क्या कर रहे होंगे। अरे यार तुम लोग भी कुछ बोलो ना। ए पुलिस वालों से तुम कुछ भी कहो और हम उस पर यकीन करें? ये क्या सर, मैं कुछ समझा नहीं। सत्यमूर्ति मर्डर केस का सबूत यही दिया था ना, कहाँ है वो, कहाँ गई? एस्केप। ये मर्डर का सबूत है ऐसा मानकर ही मैंने गुंडों को मारा और ये सबूत मैंने उनके सामने दिखाया, लेकिन क्या हुआ, वो लोग हैप्पी और मुझे बीपी चढ़ गया। क्या हुआ? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों तो खुद ही देख लो। यही सबूत दिया था ना? ये धोखा है सर, धोखा है। हमारा सबूत पक्का था, वो आपके हाथों में दिया था। ये सब आपने किया है? हाँ। आपने ही किया है? ए, 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 जबान संभाल के। जबान संभाल के ही बोल रहे हैं। ओके। तुम झूठ बोल रहे हो। नेक्स्ट। तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि ये सब आपने ही किया। अरे जाना। ठीक है, माधुरी को अपने आप ले आएंगे। तो ठीक है, दो जीप ले चलते हैं, डीजल तुम्हारा। मैं उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे रहने दे। साबित करके दिखा देंगे। साबित कर देंगे। जाना यार। क्या बात कर रही है आप? चलिए जाना। चलिए चलिए। एकदम झूठा है सर। इनका सबूत मैंने भी देखा था। ओहो, आपने उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी? क्या? उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी सर? तुम्हारी खातिर। मेरी खातिर? हाँ तुम्हारी खातिर। अगर मैंने उनकी रिपोर्ट लिख ली होती तो गुस्से में आकर वो लोग तुम्हारा किडनैप कर लेते, तब मुझे तुम्हारी भी रिपोर्ट लिखनी पड़ती। अच्छा तुम्हारी शादी होगी? नहीं सर। तब तो तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। मेरी बात सुनो, शुक्रवार और सोमवार को व्रत रखना काफी नहीं होता है, इंसान को प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। बी प्रैक्टिकल। आज तक मुझे जो भी पसंद आया उसे उठा लिया, मस्ती करी। अगर किसी ने आना खानी की तो पहले समझाता हूँ, प्रॉब्लम की तो मार देता हूँ। लेकिन तुझसे तो प्यार हो गया है री, इसीलिए तुझसे रेप करने का मन नहीं हो रहा है। अरे सुन, लड़कियों के लिए रेप वेप से डरने के दिन चले गए हैं। सिटी बस में, सिनेमा घरों में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तेरे जैसे मवाली कैसी कैसी हरकतें करते हैं मैं सब जानती हूँ। पहले डरते थे, ओहो मेरी इज्जत से मत खेलो, ऐसे बोलने के दिन चले गए। ओके ओके, तू मेरा रेप करेगा ना तो डीएनए टेस्ट करा के सबूत के साथ तुझे कोर्ट में खड़ा करके फांसी पर चढ़वा दूंगी। अरे बाप रे, ये क्या बोल रही है? मैं कपड़े उतारने की बात कर रहा हूँ और तू कुछ और बोले जा रही है। मुझे तो तू मुझे मार रहा है, इसे मैं लेके आया हूँ, तू बीच में क्यों आ गया? यहाँ तुम्हारे लिए नहीं है, मैं अपनी पेमेंट के लिए आया हूँ। रेप केस आतंकवादी केस से भी खतरनाक होता है, एक बार जेल हो जाए तो बाहर निकल पाना इम्पॉसिबल। अरे पहले बोलता तो कोई प्लान बना के दे देता ना, उसके बाद तुम चाहे कुछ भी बोल देते, मेरा लव है कुछ भी, मैं बीच में पड़ता ही नहीं। इस केस का रेट है 10 लाख। जस्ट 10 लाख्स। तुझे पैसे चाहिए बस इतना ही ना? पैसों के लिए ही तो आया हूँ। बाहर जाओ, डैडी के यहाँ तो भिजवा दूंगा। नो, मर्डर हो तो बाद में लेता हूँ, लेकिन इस केस में मैं पहले लेता हूँ, यही मेरी पॉलिसी है। छी, तुम पुलिस ऑफिसर ऐसे बोलते हो, शर्म नहीं आती? ओ, कूल कूल बेबी, शांत हो जाओ। ए, 10 लाख रुपए। छोड़ो उसे। सर, क्या हुआ? आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, इनके हाथ तो भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन माधुरी को उस कमीने के चंगुल से बचा लीजिए प्लीज सर। रुको रुको, पुलिस स्टेशन में उस दिन लड़की का लवर है। सुनो, तुम्हें अपना प्रेम अमर बनाने के लिए एक बढ़िया सा मौका देता हूँ। हाँ बोलिए सर। ये झुमरी तलैया माधुरी का रेप करने के लिए 10 लाख रुपए दे रहे हैं। तो वो दे देंगे ना? जरा चुप रहे, इससे बात कर रहा हूँ ना, इसे भी तो मौका मिलना चाहिए। तू अपनी लवर को ले जाने के लिए एक 5 लाख रुपए दे दे, जस्ट 5 लाख, लव रिडक्शन। ओके, ये कुछ नहीं देगा, तुम पैसों के सामने अंधे हो गए हो। देखो माधुरी, इस दुनिया के बारे में तुम नहीं जानती हो, पैसों की बहुत अहमियत है। ओके, तुम्हारे लिए एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए स्पेशल डिस्काउंट, 1.5 लाख रुपए दे दो और तुम चली जाओ। क्या? शट अप। देखो माधुरी, इस परिस्थिति में तुम्हारे लिए मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। देखो, 10 दोगे तो तुम्हारी, ये 5 देगा तो इसकी, और अगर ये 2.5 देगी तो मैं इसे घर पहुँचा दूंगा, तब तक ये माधुरी मेरे पास ही रहेगी, एकदम सेफ।
कॉपीराइट सारे मेरे। अबे जा, चलो मेरे साथ। अरे यार, ये राजेश अभी तक क्यों नहीं आया? पता नहीं क्यों, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? अरे राजेश क्या हुआ, इतना घबराया हुआ क्यों है? आखिर बताना बात क्या है? माधुरी कहाँ है? वो उसे कहाँ लेके गया? वो नहीं ले गया। तो फिर कौन ले गया? वो एसीपी लेके गया है, कमीना कहीं का। वो गुंडों से मिला हुआ है, चीटर है वो कमीना। उन गुंडों की रक्षा करता है, उनका बॉडीगार्ड है। उसे नहीं छोड़ेंगे हम लोग, उसे सबक सिखा के रहेंगे। पहले पैसे भिजवा दो, माधुरी को मैं खुद लेकर आ जाऊंगा। हमारा एग्रीमेंट है ओनली पेमेंट, डोंट टॉक। तेरे जैसे बहुत देखे हैं, फोन रख। एक्सक्यूज मी सर। ओह एक्सक्यूज्ड, क्या बात है? माधुरी कहाँ है? सर, आज का हेलमेट कलेक्शन कितना है? पूरा 10,000 सर। जब उसे लाना था तो स्टेशन में लाना था ना? लाने के बाद कोर्ट में पेश करना था। उसके बाद आप पर्सनली माधुरी को कहाँ लेकर गए? सर, आज का नो पार्किंग कलेक्शन कितना हुआ? दो स्कूटर, 3 मोटरसाइकिल, डिक्की में फॉरेन बॉटल मिली। पहले जो मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए। शट अप, शट अप, शट अप, शट अप। आफ्टर ऑल यू आर माय सबॉर्डिनेट। तुम पैसों के भूखे हो? नो, पैसों में अंधा हो गया हूँ। पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और मेरे बीच पर जो भी आएगा उसे कुचल कर रख दूंगा, याद रखना। तुम्हें उस लड़की पर बहुत तरस आ रहा है ना? उसके बदले मुझे 10,00,000 मिलना है। तुम 10,00,000 में 1 रुपया कम दे दो। बातों से पेट नहीं भरता है, मुझे चाहिए ओनली मनी, सिर्फ कल तक के लिए डेडलाइन। छे, अगर कोई गड़बड़ की तो तुम्हारे लिए डेडलाइन। दौलत खुद चल के मेरे पास आई है, फिर भी मैं ब्रांडी पीकर बहक नहीं रहा हूँ। यानी माल इतना आने के बाद भी मुझ में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। डोंट मूव। या नहीं, यहाँ। हो क्यों रे, कैसे आना हुआ? अब तुम्हारा खेल नहीं चलेगा। चलने भी नहीं देंगे। तब तो रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए थे, अचानक ये फैसला कब ले लिया? मिस्टर, तुम्हारा टाइम आ गया। टाइम तो बहुत पहले आ गया है, क्या करूं, चलता ही जा रहा है, कभी भी मेरी मौत आ सकती है। शाबाश, क्या बात कर रहे हो। रुको रुको यार, जरा मैं इसे तो पी लूं। तुम्हारा नाटक खत्म हो गया, अब चलो। नाटक कभी खत्म नहीं होता है, हमेशा चलता रहता है, कैरेक्टर्स बदलते रहते हैं। पुलिस हो तो क्या, गुंडे का लाइसेंस मिल गया है। अच्छा, इस गन का लाइसेंस है? अंधेरा होते मैंने तुम लोगों की कहानी ही बदल दी, अब चाहूं तो तुम्हें भून सकता हूँ। IPS की मैंने जरूर पढ़ाई की है, लेकिन किडनैपिंग में मैंने PhD की है, और तुम लोगों को देखो, छे, लगता है LKG भी पास नहीं किया है। छे 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 छे, वेरी बैड, वेरी बैड। अच्छा, किडनैप किड्स, मुझे पकड़कर तुम लोग क्या करने वाले थे? बताओ, अगर पकड़ लोगे तो क्या करोगे? सत्यमूर्ति का किलर को गायब कर दिया ये बता देंगे। उसके बाद? माधुरी कहाँ है ये आपसे उगलवाएंगे। और उसके बाद? हम तुम्हें अदालत में खड़ा करके सजा दिलवाएंगे। सजा मिल गई, फिर मैं छूट गया। उसके बाद? उसके बाद? उसके बाद? उसके बाद? उसके बाद क्या करोगे तुम लोग, यही सोचते रहोगे क्योंकि तुम उल्लू हो, समझ गए? बेकार में इतना घबराओ नहीं। हेलो, इनके लिए 4 कोल्ड ड्रिंक्स और मेरे लिए आइस वाला ड्रिंक। ले लो। मैडम, आप इस घर में क्यों आई हैं? मैं कहाँ आई हूँ, तुम मेरे घर आए हो। ए, बस अब ज्यादा नहीं। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। ये क्या मैडम, इस कमीने ने आपको भी? शट अप, शराफत से बात करो। ये मेरे पति हैं। पति हैं, पति हैं, पति हैं, पति हैं। ये एक चीटर और एक फ्रॉड पुलिस ऑफिसर है, यही जानते हो ना?
लेकिन ये एक एग्रेसिव, पावरफुल और फिरोशियस पुलिस ऑफिसर है, मैं जानती हूँ। हर एक क्षण इस दुनिया में गुंडागर्दी बढ़ती ही जा रही है, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन आवेश, क्रोध, लक्ष्य, हमेशा इनकी आंखों में मैंने बस यही देखा है। एक जमाने में लोग इनके नाम से भी डरते थे। छोड़ो तो हमें नहीं जानता क्या है? बहुत खतरनाक लोग हैं। बोल के देखा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू हमारे बॉस को नहीं जानता है, वो बहुत ही खतरनाक है। हमारे पार्टी के सेक्रेटरी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सामने तुम जैसे पुलिस वाले ये कर देते हैं। क्या पार्टी सेक्रेटरी? हाँ हूँ, यहाँ की जो पार्टी है उसका अध्यक्ष हूँ। क्या हुआ, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुत्ते की तरह मारते हुए क्यों लाए? तेरी पार्टी इन्हें क्या सिखाती है? रेप करना सिखाती है? हाँ? इन लोगों के गुरु क्या तुम ही हो? इसमें क्या हुआ? इसीलिए लोगों की इज्जत से खेलते हो। तू नहीं जानता यहाँ की बहुत बड़ी पार्टी का लीडर मेरे पीछे है। तो ठीक है, उसे भी देख लूंगा। अगर 3 करोड़ नहीं भेजे तो देख ले मैं तेरा क्या हाल करूंगा, समझ गया? पेपर में तेरा सारा सीक्रेट बाहर निकाल दूंगा। क्यों बे, इन चोर उच्चक के गुंडों का तो मुखिया है। तू मेरे बारे में नहीं जानता, मेरे पीछे एमपी लोगों का हाथ है, समझ गया? ये क्या, वो मिनिस्टर का लड़का है और वो कार्यकर्ता का लड़का है। हे, तुम इन्हें यहाँ लेकर क्यों आए हो? Who are you? CI जोगिंदर। ये दोनों जेवियर वुमेन कॉलेज के पास एक लड़की का रेप करने वाले थे, वहीं से पकड़ के लाया हूँ। इस गुंडे का तू मुखिया और इसका तू मुखिया और इस गुंडे का तू सपोर्ट कर रहा है। हे ऑफिसर, अगर गुनाह किया है तो रिपोर्ट लिख, हमारी कमेटी छुड़ा लेगी। मुझे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी कमेटी से। आज के दिन मुझे चाहिए तुम्हारा कमिटमेंट। तुझसे हमारा कैसा कमिटमेंट? बोलो। इन दोनों ने पब्लिक के बीच एक लड़की का रेप करना चाहा, मुझे ऐसी रिपोर्ट तुम लिख कर दोगे, उसी के लिए यहाँ आए ना? हाँ। क्या चाहिए? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं इन्हें अरेस्ट कर लूंगा तो इन्हें छुड़वाने के लिए तुम कोशिश कर सकते हो ना, तो काहे को ये सब लफड़ा? इसीलिए तुम्हारे हाथों रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ। हम मना करेंगे तो क्या करोगे? हाँ बताओ क्या करोगे? मार डालूंगा। अरे बाप रे, इन्हें यहीं जान से मार दूंगा। एक लड़की का रेप करने की कोशिश की, उसके लिए शूट कर दिया, ऐसा मैं केस बना दूंगा। अगर मेरे से खेलने की कोशिश करोगे ना तो कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी क्या पावर है? ये ऐसी वैसी नहीं, एक पुलिस वाले की पावर है। आंखों के सामने अन्याय हो रहा हो और पुलिस वाले हाथ बांधे खड़े रहे, वो दिन चले गए। अब केवल अन्याय और जुर्म करने वाले को ही नहीं, उनका साथ देने वाले को भी ये गन छोड़ेगी नहीं। फौरन साइन करो। ये लोग पुलिस वाले को क्या समझते हैं? पहले ही दिन कसम खाई थी कि जुर्म करने वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसे रोड के बीच कुत्ते की तरह गोली मार देनी चाहिए, और वो दिन आ गए। और अब देख लेना, कुछ ही दिनों में ये गुंडा राज खत्म हो जाएगा। और तुम लोग मुझे मारना चाहते हो? आई डोंट केयर, आई केयर ओनली माई ड्यूटी। यस, आई केयर माई ड्यूटी ओनली। Yeah. आओ खाना खा लो। अरे एक आदमी ने मुझे पैसे देने के लिए कहा था, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, मेरे दिमाग से निकल गया, अभी मिल के आता हूँ। ए रुको ना, इस वक्त मत जाओ। ए, बेकार की बातें मत करो, मेरे हाथों में खुजली हो रही है, मैं जाके उससे पहले मिल के आता हूँ। मैं बस यूं गया और यूं आया। ओके अरे ए, कौन है बेतु? है कौन है? सामने आ। तू है कौन? अरे छोड़ो ना, ये क्या, इतनी बड़ी मिलिट्री की बंदूक भी मेरे दादा के पास थी, वो शेर है। दूंगा खींच के। तो फिर मैं भी खींच के मारूंगा। मैं भी तुम्हारी तरह 6 फुट का बनने वाला था, लेकिन पिताजी ने पता नहीं क्या किया, इतना सा बन गया। और तुम बड़े बन गए, इतने बन जाओ तो मैं छोटा बन जाऊंगा। तू यहाँ पे क्यों आया फूल? अरे तुम हो फूल। अरे रुको, ये सब क्या है, पूरी बात बता दो ना। तुम पूछ रहे हो तो बताता हूँ, दरअसल बहुत भूख लगी है, खाना खाने के बाद बताऊंगा। तुझे खाना नहीं, तुझे तो गोली खिलाऊंगा। तुमसे पूछा क्या, हटो, तुम आओ। थोड़ा और। हे, खाना बहुत हो गया, तो आया कहाँ से? बड़े भाई से कैसे बात करते हैं ये भी मालूम नहीं है क्या? कम से कम तुम इनसे बोलो। मैं उनसे बोलूं? बड़े भैया का वहाँ पर एक है ना, वो और कोई नहीं मेरा फ्रेंड है। मालूम पड़ने पर फ्रेंड नहीं तो कुछ और, यही ना। हाँ। मुंह बंद कर। तुम बंद करो।
जान से मार दूंगा। तू कौन है? बहुत अच्छा खाना है। तो बता। पहले थोड़ा सो जाता हूँ, बाद में उठ के बताऊंगा। इसे उठा के ले जाओ और डॉक्यूमेंट्स में इसके अंगूठे लगाओ। मेरे अंगूठे काट देंगे, मेरे अंगूठे काट देंगे। अरे अरे, तो लेट जा, थोड़ा आराम कर, थोड़ा लेट जा, सब ठीक हो जाएगा, लेट जा। कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा ना, मैं सो जाता हूँ, मैं सो जाता हूँ। तो फलाये हैं, बड़ी दूर से आए हैं। सुपर, तुम रंगोली बनाना जानते हो? बहुत ही अच्छा बना रहे हो। ऐसा नहीं है, सिर्फ रंगोली नहीं, पेंटिंग भी बनाता हूँ। मेरी जो पेंटिंग है ना, गांव वालों को बहुत अच्छी लगती है। माँ भी बनाती थी, वो मर गई। ये क्या है बताता हूँ, ये गीता, ये संगीता, ये संगीता पिजलानी। अच्छा, जब से तुमने उससे शादी की है तब से छोड़ने का मन नहीं किया? वो ये पुलिस वाला जो है ना। तो क्या हुआ, छोड़ के दूसरी कर लो। अगर मैं इन्हें छोड़ दूंगी तो ये मुझे जान से मार डालेंगे, मैं नहीं छोड़ूंगी। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम उसे छोड़ दो, मैं दूसरी करा दूंगा। आजादी ज्यादा मिल गई है क्या? ये मेरा घर है, मेरी मर्जी। देखा, ये मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं करते। पहले तू ये बता कौन है। जरा ये पकड़ना, तुम्हें तो दूंगा खींच के। फालतू का ड्रामा बंद कर, तू कौन है बता? छोटे बच्चे की तरह डांटते हो। तुझसे पूछ रहा हूँ तू कौन है। उल्लू? मैं नहीं, तुम उल्लू हो। अरे वाह वाह, वो देखो सूरज कितना अच्छा दिख रहा है, ये देखना मुझे अच्छा लगता है। अब सूर्योदय हो गया है, मैं जाके नहा के आता हूँ। जरा ये पकड़ना। हंस क्यों रही हो? ऐसा कुछ नहीं। हंसना बंद करो, बहुत हो गया। गुस्से में तुम बहुत अच्छे लगते हो। अरुणा, मैं फिर से तुम्हें समझा रहा हूँ। क्या हुआ, कौन है? तू कहाँ छुपता है? कौन थे वो? उनसे क्या संबंध है? क्यों पीछा कर रहे थे? तूने कोई गलत काम किया है क्या? अरे छोड़ो, गलत काम करता तो मैं भला उनसे क्यों डरता? तो वो क्यों पीछा कर रहे थे? दरअसल बता। वो दरअसल मेरे एक बड़े ठाकुर हुआ करते। कौन बड़े ठाकुर? छोटे ठाकुर के दादा। छोटे ठाकुर? सबसे बड़े से छोटे वाले। ए, ठीक से बोल, इडियट। अरे तुम वो इडियट। मैं हूँ रामचंद्र। अब बड़े ठाकुर कौन है पता है? मिलिट्री सुबेदार। और बड़े ठाकुर के छोटे वाले, अगर मैं उनका नाम लूंगा तो उससे उनका अपमान होगा ना। लेकिन उनसे क्या संबंध है? बता। ठीक है बैठो। भैया देखो, मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम सुनोगे, इससे फायदा क्या? सीधी तरह से बता दे, नहीं तो सारी की सारी गोलियां तेरे मुंह में उतार दूंगा। चुपचाप बताता या नहीं? बता दो, नहीं तो जान से मार डालूंगा। वो बंदूक ले लो, तभी बताऊंगा। अब बोलो। बहुत डांटते हो। यहाँ गांव में मेरे दादा को गवर्नमेंट ने चोटी के ऊपर एक जगह दी। गांव वालों को ये बहुत अच्छा लगा, मेरे दादा को भी वो जगह बहुत अच्छी लगी। एक बार उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि यहाँ पर एक स्कूल बनाना है, बोर्ड लगा दिया। फिर बोले ये जरूरी है, उनकी इच्छा थी, मुझसे ऐसा वचन लेकर जैसे यात्रा का फटक से मर गए। आखिरी इच्छा थी ना, बनवाना होगा ना, इसीलिए आया हूँ मेरे दादा के नाम पर स्कूल बनाने के लिए। मैंने बोर्ड लगाया। सीताराम प्राइमरी स्कूल। ओके। कुछ नहीं होगा, जैसे ही मैंने उनको ये बताया वो मेरे पीछे पड़ गए। मैं कौन हूँ? मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए दादाजी ने मुझे ये ड्रेस दी। सुन, दूंगा खींच के। भैया बोलो। भैया, तो गांव की चोटी पर तुम्हारे दादा की जमीन है। मेरे दादा की है। स्कूल बनाना। हाँ, उन्हीं के नाम। गुड मॉर्निंग सर। MP साहब के झगड़ करने पर ट्रांसफर हो गया। गुड, ये मुझे मालूम था। लेकिन इस गाँव में कुछ गुंडों ने एक जमीन पर कब्जा किया हुआ है, पहले उनका ट्रांसफर करूंगा, उसके बाद मैं ये ट्रांसफर ऑर्डर लूंगा। भैया। हाँ भैया। चलो भैया, जाने से पहले तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, चलो। सुनो, जल्दबाजी मत करो, जिनसे भिड़ने जा रहे हो वो अच्छे लोग नहीं हैं, उनसे बात करके भी तो मामला हल कर सकते हैं। ये क्या कह रही हो? हर समय दूसरों की जमीन जायदाद हड़पने वालों को, सरेआम गुंडागर्दी चलाने वाले भूमि माफियाओं को सबक सिखा के जाऊंगा। चलो भैया, वो जमीन तुम्हारी है, कौन छीनता है मैं भी देखता हूँ। चलो ठीक है, चलो।
बापरे, वो तो डर रहा है ना, तुम खुद जाके बात करो ना। ये इसकी साइट है, इसे ही लड़ना होगा। भैया टोपी पहनो। अटेंशन, प्रोसीड। इसे ठिकाने लगाना होगा। तुम्हें 2 मिनट का टाइम देता हूँ। नहीं नहीं, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। तुमने जो ये बोर्ड लगाया है वो चारपाई और दारू की बोतलें मेरी जगह से हट जानी चाहिए। क्यों बे, पुलिस वाले को साथ में ला के डरा रहा है? पुलिस वाले ये जगह क्या हम लोगों से खाली करा लेंगे? वो खतरनाक है, कहीं उसे मार न डाले। चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। उसे वापस बुला लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, वो सब संभाल लेगा। मेरा छोटा भाई मेरे साथ है, उसके होते हुए मुझे चिंता नहीं है। तुम लोग गए। रामचंद्र भैया, रामचंद्र भैया कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, यहाँ पर हूँ, पत्थरों में। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? बस ऐसे ही। ए भैया शाबाश, सब के सब जगह छोड़कर भाग गए हैं, जगह खाली हो गई है, अब ये जगह तुम्हारी है। रामचंद्र, रामचंद्र, ये क्या है? रामचंद्र, ये कैसे हुआ? स्टूपिड, तुम हो स्टूपिड, तुम ही स्टूपिड हो, तुम ही स्टूपिड हो। रामचंद्र, तुम्हें मेरे अंगूठे निशान की जरूरत नहीं, लेकिन जब तुम यहाँ से कहीं और चले जाओगे तो ये जगह कहीं कोई। रामचंद्र, रामचंद्र, यस, उसका खून हुआ मेरी वजह से, मेरा आवेश। आवेश में आकर मैं उसे वहां ले गया, जरा भी नहीं सोचा कि वहां क्या हो सकता है। वो सब गुस्से की वजह से हुआ, गुस्से की वजह से। इस समाज का नाश होने में सिर्फ राजनेता और गुंडों का हाथ नहीं है, लोग, उनका स्वार्थ, पहले उसे बदलना होगा। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वो रोड पे पड़ा होता है, हमें इससे क्या लेना देना बोलकर अपने घर चले जाते हैं। टीवी में अपनी पसंद का गाना सुनना हो तो उसके लिए फोन करने के लिए टाइम है, लेकिन समाज में क्या हो रहा है ये जानने के लिए टाइम नहीं है। आंखों के सामने खून हो जाता है लेकिन गवाही देने के लिए सामने कोई नहीं आता है। अगर एक इंसान भी आके गवाही दे देगा ना तो उसे कुत्ते की मौत मारूंगा, लेकिन कोई नहीं आता है। जानते हैं क्यों? डर। इंसानों के अंदर जो जमीर मर गया है उसे जगाना होगा, जैसे मैंने जगा के रखा है, ताकि वो लोग खुद मेरे कदमों के नीचे आ जाएं। और आ गए, इसीलिए मैंने अपने आवेश को स्ट्रेटेजिक में बदल दिया। ये देखो, जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनका मैंने डाटा बना के रखा है, ये है जाली नोट बनाने वाले, और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की लिस्ट हासिल की है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत ही संभाल कर रखी हुई है। ये देखो, तुम्हारे प्रोफेसर के मर्डर का सबूत मेरे पास बिल्कुल सेफ है। सिर्फ ये गुंडे ही नहीं, इनके ऊपर जिन राजनेताओं का हाथ है उनके भी सबूत इकट्ठे किए। मैं उनके साथ मिल गया, मैं उनका आदमी ऐसा विश्वास दिलाया और चुपके से ये सारे सबूत इकट्ठे किए। कल जो गुंडों का इलेक्शन होने वाला है उसमें सारे गुंडे इकट्ठे होने वाले हैं। यस, ये लोग सिर्फ रिपोर्ट से नहीं फंसने वाले हैं, इन सब गुंडों को एक साथ पकड़ने के लिए ही मैंने ये जाल बिछाया। अपना पुलिस ऑफिसर रिश्वतखोर है ये जानकर उसे जान से मारने के लिए बहुत अच्छा प्लान बनाया है तुमने। झांसी, गुड। नो नो, मैं आपको गलत समझ गई थी सर। Why are you crying? Come on, cool. इतने अच्छे पुलिस ऑफिसर को मैं मारने चली थी, I'm a fool. I'm sorry. No, no. तुम मारने आई थी अच्छे पुलिस ऑफिसर को नहीं, बैड ऑफिसर को। आई अप्रिशिएट यू। नो झांसी, कम ऑन, यू आर एन ऑफिसर आई से, कम ऑन, स्टडी। थैंक यू सर, दैट्स गुड। हे गाइस, ये क्या करने चले तुम लोग? क्या कर रहे हो? आप चुप रहिए। तुम्हारे सामने वो मुझे उठा के ले गया और तुम खड़े तमाशा देखते रहे। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो मुझे कुछ नहीं कर पाया। चुप हो जाओ। और अब जिन्होंने आकर मुझे बचाया उन्हीं को किडनैप करने के लिए चले आए। इडियट कहेंगे, फूल। आई वॉन्ट टू कट ऑफ फ्रेंडशिप विद यू। कट ऑफ? कट ऑफ करने की जरूरत उनकी फ्रेंडशिप नहीं, अपना ओवर टॉकिंग। अरे टेक इट इजी सर, अब से हम चारों आपके सैनिक बन के रहेंगे सर। हाँ सर। नो, सैनिक बनकर नहीं, इसी वक्त से तुम्हें हीरो बनना होगा। इस समाज में जो गंदगी है, वो राउडी हो, गुंडा हो या राजनेता ही क्यों ना हो, उसे साफ करना होगा। उनका खात्मा करना ही हमारा एजेंडा होगा। हाँ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा।
हर एक बूथ से वोटिंग की मशीन उठा के लानी होगी। तू ये कैसे करेगा, मैं भी देख लूंगा। मैं ला के दिखाऊंगा। मैं एक बार जो बोल देता हूँ करता हूँ। मेरे पास ऐसा करने के लिए लोग हैं, उन्हें जो चाहिए वो देता हूँ और वो मेरे लिए काम करते हैं। सुनो, इस बार के इलेक्शन में मेरे ही वोटरों की आंधी चलेगी, जैसा मैंने अपने टाइम पे किया था। जानता हूँ, तब तू ही मुख्यमंत्री था। लेकिन वो सब तुम्हारी वजह से हुआ था, क्योंकि तुम ज्यादा उछल रहे थे। अरे रुकिए रुकिए, ये असेंबली है या शादी का समारोह? आप दोनों के बीच में ये पर्दा क्यों? असेंबली में कंट्रोल करने के लिए स्पीकर होता है, लेकिन ये तो विपक्ष का नेता है ना। अगर मैं इसकी शक्ल देखूंगा तो मेरे अंदर का शेर कहीं जाग ना जाए, ये सोचकर ही ये बीच में पर्दा लगा रखा है। hey, बाहर इतनी सिक्योरिटी क्यों खड़ी हुई है और यहाँ पर इतनी सारी भीड़ क्यों जमा है? जब भी देखो फालतू के लोगों को बुलाकर टाइम बर्बाद करते रहते हो। क्यों भैया, मैंने जो कुछ भी कहा सही कहा ना? मेरी बात सुनकर सब खामोश क्यों हो गए? और ये क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनकर खड़े हो? यहाँ मीटिंग हो रही है या क्रिकेट मैच? तुम्हारी मीटिंग बहुत हो गई है, अब मेरी यहाँ पर अर्जेंट मीटिंग है, खाली करो जगह, जाओ। ये क्या भवानी, तुम तो डायरेक्ट मीटिंग में आ गए। भाई इलेक्शन होने वाले है ना? हाँ, तो क्या हुआ? आज का ये छोटा इलेक्शन कल के लिए बड़ा इलेक्शन बनेगा। सुनो, मेरे लोगों ने कुछ मांगे रखी है, वो इसमें लिखी है। अरे सोच कर रहे हो, फॉरन फाइनल कर दो। फाइनल कर दो? हाँ, और इसे भी याद रखना, इसके लिए भी एक टिकट रखना, पूरे कैंडिडेट्स में ये भी शामिल होना चाहिए। चल साहब को नमस्कार कर। वो सब तो ठीक है, जो दूसरे नेताओं से बात करनी होगी। इसके सामने क्या बात कर रहे हो? तुम सिर्फ बोलते हो और मैं करके दिखाता हूँ। जो मैंने कहा अगर वो नहीं हुआ, आज तुम पूरे खड़े हो, कल तुम्हारे टुकड़े कहीं और दिखेंगे, ये याद रखना। उसने इसकी तो वाट लगा दी। आए, 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 आए। ये छुरा लेकर क्यों आए हो? है। ये क्या किसी चीज का कोई निवेदन है? हाँ, मेरे इलेक्शन के कैंडिडेट की लिस्ट है, समझ गए ना? पेमेंट भी हो जाएगी। समझ गया। तुम्हारे कैंडिडेट कौन है मैं जानता हूँ, सली भाई, रघुवीर और वो लच्छे वाला। धीरे धीरे, ये लिस्ट एक बार पढ़ लेना, सीट वीट में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मेरे कैंडिडेट तुम्हारी सीट फाड़ देंगे। तुम एक बात जानते हो, वैसे सीएम मैं भी बनना चाहता हूँ। हाँ। अगर कोई रुकावट आई ना। याद रखना। अरे बाप रे, ये क्या सीट ऐसे मांग रहे हैं जैसे स्वीट का डब्बा हो। अगर मांगे पूरी नहीं की ना, तो ये दोनों तुम दोनों के लिए। अब ये क्यों आया है? अरे 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 अरे, ये क्या, राजनेता लोग मामूली गुंडों से इतना घबरा गए? धत तेरे की, उन्होंने तो तुम्हारी वाट लगा दी है। काका, ये आने वाला तुमने बताया नहीं? मैं भी काम बताया, उसने भी काम बताया, उसने भी काम बताया। राजनेता अपनी उंगली के इशारे पर गुंडों को भले ही नचा सकता है, लेकिन कोई गुंडा अपने इशारे पर किसी राजनेता को नचाए तो ये बहुत ही शर्म की बात है। इसलिए तुम्हारे इस वक्त जितने भी पाले हुए गुंडे हैं, उन्हें निकाल कर नए गुंडे पैदा करने होंगे। उन्होंने दुम हिलाई तो? उन्हें निकाल कर फिर से नए पैदा कर लो, तभी वो तुम्हारा कहना मान पाएंगे। और जबान चलाई तो? जबान काट देना। हाथ चलाएंगे तो? हाथ काट देना। खिलाफ हो गए तो? खत्म करवा देना। अगर फंस गए तो? चुप करो। बापरे बापरे बापरे, कितने कमाल का आइडिया दिया है, तुम्हारे विचार तो बहुत ऊंचे हैं। लेकिन अचानक यहाँ पर आने का क्या मतलब हुआ? एकदम सही समय पर आया हूँ, काम हो गया। हम भी दिखा देंगे, पाकिस्तान से, दुबई से, मस्कट से, माफियाओं को यहाँ बुलवाऊंगा। किसी गुंडे को टिकट नहीं दूंगा, जे धमकी देते हो। यहाँ के सारे गुंडों को मैं सबक सिखाऊंगा, इन गुंडों से हम नहीं डरेंगे। किसी भी राह चलते को टिकट दे दूंगा, लेकिन उन गुंडों को नहीं दूंगा। बाप रे, टिकट चाहिए तुम लोगों को? एमएलए की टिकट? शक्ल देखिए, ये क्या कोई बस की टिकट है? इन लोगों ने कभी ट्रेन की टिकट नहीं लिया, इन्हें एमएलए की टिकट चाहिए। टिकट क्या हलवाई की दुकान में मिलती है? अगर किसी तुम लोगों की आंखें खोलने के लिए ही मैं रिस्क लेकर ये सबूत लाया हूँ। इस बटन कैमरे के साथ खुद को खतरे में डालकर उनका प्लान वीडियो में उतारा, देख लो। देखो, अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए किया। ए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, टांग पे टांग रख के। कोई भी कदम सोच कर उठाना। तुम लोगों में एकता नहीं, इसलिए उसका वो फायदा उठाते हैं। अगर तुम लोग एक हो जाओ तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ए, सुनो, इस शहर में मेरा ही गुंडा राज चलेगा। माने के चूड़िया पहनी है या मेरा राज चलेगा? कौन बड़ा है कैसे पता चलेगा, मैं बोलूं? हाँ, बोलो। यानी राज्य का बड़ा गुंडा, आधे एरिए का एक गुंडा और दूसरे आधे एरिए का दूसरा गुंडा, और दोनों राज करना चाहते हैं। अब पहला नंबर किसका है? वही बड़ा गुंडा है। ऐसा है तो सबसे पहले मैं। मैंने ज्यादा खून किया है, सबसे पहले मैं। सबसे पहले स्टॉप इट।
पहले नंबर पर कौन, ये बात जानने के लिए इलेक्शन करवा लो। इलेक्शन? यस, गुंडा जनरल इलेक्शन। सुनो, राज्य में जितने भी गुंडे हैं सबको यहाँ जमा कर लो, वोटिंग करवाओ, और वोटिंग में जो पहले नंबर पर आएगा वही 5 साल तक गुंडों का लीडर होगा। तब राजनेता लोग अपने इलेक्शंस में तुम्हारे सामने आकर गिड़गिड़ाएंगे और ये झुमको होंगे GEC यानी गुंडा इलेक्शन कमिश्नर। झुमको, ये जो कुछ भी कह रहा है मेरे हिसाब से तो सही लग रहा है, हमारे लिए भी असेंबली हॉल बनना चाहिए। झुमको झुमको, ब्रिटिश वालों के जैसा ही तुम्हारा चालू दिमाग है। गुंडा गवर्नमेंट के तुम ही गॉडफादर हो, हमारे लीगल एडवाइजर तुम हो। रुक जाओ, ये क्या है, ये क्या मुझे हीरो बना रहे हो? मैं कर दूंगा अगर कोई नहीं करेगा तो। इस राज्य के गुंडे कल के नेता बनेंगे, तुम्हारी हैसियत क्या है मैं ये लोगों को दिखा के रहूंगा। मुंबई के जो डॉन थे हाजी मस्तान, उन्हें किसी ने देखा है? लेकिन आज गुंडा साम्राज्य का फाउंडेशन रखेगा द ग्रेट जोगिंदर। झुमको झुमको, सब सुनो, कल ही इलेक्शन होगा, हमारे गुंडों का इलेक्शन, हमारे राज्य के सारे गुंडे यहाँ जमा हो जाने चाहिए, सभी गुंडों को वोट डालने का अधिकार होगा, इलेक्शन का चिन्ह हमारे हिसाब से दिया जाएगा, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा गुंडा कौन है, उसके बाद उसी का कहना मानना होगा। लेकिन वोटिंग होने के 24 घंटे पहले ये याद रखना, कोई भी गुंडा अपना प्रचार या गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं करेगा। झुमको झुमको। जिस गुंडे ने भी मेरी तलवार के चिन्ह को वोट नहीं डाला तो इसी से उसे मार डालूंगा। रुको रुको रुको, छुरा दिखाने से एक भी वोट नहीं मिल पाएगा, वोट मांगने के लिए लोगों के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। हम क्या पागल हैं जो भीख मांगे? भैया वोट लेने के लिए अच्छों अच्छों को झुकना पड़ जाता है, तभी कुछ वोट मिल पाते हैं। तब हर गुंडे को मर्डर करे या फिर रेप करे, कोर्ट से उसे जमानत मैं दिलवाऊंगा। डुप्लीकेट नोट छापने के लिए उसका पेपर कोरियर से मंगाएंगे। हाँ सही कहा। सीनियर सिटीजन गुंडों को मैं पेंशन दिलवाऊंगा, छोटे गुंडों को गोरिल्ला ट्रेनिंग दिलवाऊंगा, सिनेमा के लोगों को भी अपने पार्टी में मिलाएंगे। और इन सब के अलावा सबसे पहले गुंडों के वोट के लिए मिडनाइट मसाले के लिए किसी को नचवाना होगा। हाँ तो ठीक है ना, कलावती और झुमके वाली चंदा भाई को बुला लेते हैं ना। मैं मुंबई से ही मुन्नी भाई और शीला दोनों को बुलाऊंगा। चोर चोर सब एक हुए, ये हादसा ऐसा हो गया, हर एक लुटे जब चोर करे हाथों की ऐसी चतुराई, भूले से भी कभी हाथ ना मिला ऐसे लोगों से जान ले, ये देश तेरा ये लोग तेरे इनसे न ठगी कर मान ले।
उसकी मुट्ठी में है, जो भी बाजी मारेगा ये, अरे दुनिया उसकी मुट्ठी में है। उसे फाइनल कर दे और फोन रख। रे हट। हेलो, क्या काम नहीं हो रहा है? तू एक काम कर, बैंकॉक जा और वहाँ से काम करके आ जा। हेलो, क्या काम नहीं हुआ? जापान में बड़ी सुनामी आ गई है, उसमें जाके डूब जा, बिना साबुन के नहा लेना, धक तेरी रख। अरे बाप रे, ये फोन अटेंड करते करते मेरी जान निकल जाएगी। सेक्रेटरी, जरा डीजीपी को लाइन दो, लीव पे है, कल कुछ लोगों को अदालत में पेश किया जा रहा है, मेरी सरकार का भट्टा बैठ जाएगा। सुनो, एक भी गुंडा कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसे वक्त में आपको होशियार रहना चाहिए, क्योंकि किसी को पता ना चले वैसे उन्हें अंडरग्राउंड कर दिया है। अब बियर में ब्रांडी मिला के पियो या ब्रांडी के अंदर घोड़ा रम मिला के पियो, लेकिन नशा किसी से भी नहीं चढ़ रहा है, बल्कि पूरी तरह से सिर चकरा रहा है। पूरी बोतल चढ़ा ली फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। अरे सुन, डीजीपी को फोन लगा, देख वो है कि नहीं। लगा, जल्दी लगा ना। हेलो डीजीपी, वो कहाँ है? छुट्टी पे? हमारी किस्मत खराब है, हमारी वार्ड लग के रहेगी, ये तुमने तो नहीं किया ना। अब काका, अपने फोन से डीजीपी को फोन लगाओ, लगाओ जल्दी फोन लगाओ। हेलो डीजीपी साहब, मिल के ला मुझे दो। बैलेंस कम है, बैलेंस कम है। कोई बात नहीं, मोबाइल में बैलेंस कम है डीजीपी साहब। लो सीएम से बात करो, सीएम से बात करो। डीजीपी मैं हूँ, उसके पास मेरे रिकॉर्ड्स हैं, मेरे लोगों को बाहर लाना है। अरे मेरी हालत पतली है। मेरे बारे में भी बोल। क्या कहा? केस सीबीआई को सौंप दिया है। बाप रे, शिट। जल्दी एक काम करो, उस ऑफिसर को फोन लगाओ, उसे उतारेंगे अपनी बोतल में। हेलो राठौर सिंह बेदी जी, मैं मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ। मेरे बारे में भी मेरा केस तुम्ही को डील करना होगा, 10 करोड़ दूंगा। ला फोन मुझे दो। ऑफिसर 20 करोड़, गाड़ियाँ तुम्हारी, डीजल मेरा, आजा। Nice meeting you, sir. Hello, sir. I am Rathore Singh Bedi. Nice to meet you. These are my personal officers. Good morning, sir. Good morning. What is this pin drop silence? साइलेंस मेंटेन कर रहे हो या उन गुंडों को कहां कहां छुपा रखा उसकी सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हो? ऑल राइट, मैं यहां आया हूं उसी केस के सिलसिले में। उन गुंडों की फाइल कहां है? वो एसीपी साहब के पास है। एसीपी ने जिन गुंडों को अरेस्ट किया वो कहां है? नहीं जानती सर। हाँ तो क्या तुम्हें पता है? ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा सर। यानी
हमारी एसआई झांसी किरण नहीं जानती, ऐसा झूठ बोल रही है। वैसे तुम्हारे एसीपी साहब कहाँ हैं? अभी तक आए नहीं या जानबूझकर नहीं? सर, आपके टाइम पर ही आ गया हूँ। यू आर ऑफ एन आवर लेट। सॉरी सर, आपकी घड़ी ऑफ एन आवर फास्ट है। यू आर करेक्ट मिस्टर जोगेंदर, मैं हमेशा अपनी घड़ी को आधा घंटा फास्ट रखता हूँ। आई सी। यू नो वाई? क्योंकि मैं इस दुनिया के समय से आधा घंटा आगे रहना चाहता हूँ। सिर्फ समय से आगे रहना ही काफी नहीं है, काम भी फास्ट होना चाहिए। ऑफ कोर्स। मिस्टर जोगेंदर, वो गुंडे और उनकी फाइल मुझे हैंड ओवर कर दो। मैं उन सबको फांसी पर चढ़ा कर ही यहाँ से जाऊंगा। कम ऑन, डू इट। नो सर, उन्हें मैं कोर्ट में ही सरेंडर करूंगा, किसी और को सरेंडर नहीं करूंगा। व्हाट? मेरे पास भी नहीं? यस। इज इट श्योर? ओके। कभी तुम कॉलेज में क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे, इसीलिए तुमने यहाँ इतने सारे गुंडों को क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ, क्रिकेट। गुड बॉल, बैड शॉट सर, यू आर आउट। जोगिंदर, तुम मेरे बारे में समझते क्या हो? खुद को 30 मार खान समझते हो? आफ्टर ऑल एक एसीपी हो। लोगों को पकड़कर अंडरग्राउंड करना अरेस्ट नहीं कहलाता मिस्टर, किडनैप कहलाता है। यस, एक सीबीआई ऑफिसर होने के नाते मैं तुम्हारे खिलाफ चार्जशीट दाखिल करूंगा, तुम्हें मुजरिम बना के खड़ा करूंगा। माइंडेड? आप बेकार में इंटरफेयर कर रहे हैं। इस केस में मैंने किसी पर भी अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है मिस्टर बेदी। नहीं की? गुड यार, तुम्हारे अंदर ये गट्स है या नहीं सोचकर ये छोटा सा टेस्ट किया था। आई एम वेरी हैप्पी। मेरे ऑफिसरों के सामने भी तुम इसी बात को दोहराना। हाँ, आई विल सपोर्ट यू, कम ऑन। इस केस के बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कर ले। गुंडों को डायरेक्ट कोर्ट में सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल परमिशन ली है मिस्टर बेदी। बेटर नॉट टू कम इन माई वे। गुड, कानून हो तो ऐसा होना चाहिए, दैट इज लॉ एंड ऑर्डर। इतने बड़े स्टेट के गुंडों को सबको तुमने अरेस्ट कर लिया। इट्स ए हिस्ट्री, इट्स ए मिराकल माय डियर, इट्स ए मिराकल। मिस्टर जोगेंदर, चाहे कितने ही बड़े नेता का दबाव क्यों ना हो या मेरे जैसा ऑफिसर, कोई भी तुम्हारे आरे आए, डोंट केयर, किसी से मत घबराना। सुप्रीम कोर्ट तो क्या, मैं तुम्हें स्पेशल पावर्स देता हूँ। इस केस के बीच अगर कोई भी आता है तो शूट कर देना। शूट देम विद माय गन इन माय अकाउंट। कम ऑन जोगेंदर, टेक इट एंड डू इट। ऐसे थैंक यू सर, ऐसी नौबत आई तो मेरे पास मेरी गन है। गुड, किसी से मत डरना, क्योंकि सुना है बहुत सारे लोग तुम पर दबाव डाल रहे हैं। अपना सेलफोन फेंक दो, नहीं तो ये लोग तुम्हें और परेशान करेंगे। ऐसी धमकियों तो मैं एक झटके में ठिकाने लगा देता हूँ। बिल्कुल ठीक, ये जोगिंदर डरता नहीं है, अच्छा खिलाड़ी है, और इसके साथ खेल खेलने में बहुत मजा आएगा। मैं ये क्या सुन रहा हूँ, हमने जिस काम के लिए बुलाया वो अभी तक नहीं हुआ। Yes, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। I want only money, लेकिन अदालत को चाहिए सबूत, और उसके पास तुम्हारे खिलाफ बहुत ही पावरफुल सबूत है, साथ में उसके पास सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल परमिशन भी है। उसी के लिए तो हमने तुम्हें एक काम सौंपा है। इट्स इम्पॉसिबल, कुछ नहीं हो सकता सीएम साहब। क्यों नहीं हो सकता? लेकिन मैं तुम सबको एक एडवाइस दे सकता हूँ। तुम्हारे पास जो क्रिमिनल और चीटिंग रिकॉर्ड्स हैं, उन सबको मिटा दो, और जो प्रॉपर्टीज हैं, अपनी बीवी, अपने बच्चे या रिश्तेदारों के नाम कर दो। ऐसा करने से इसमें भी लफड़ा है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में लिखित रूप से देकर असेंबली में हो, और ये सब लोग जानते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है? फाइनली एक हेल्प मैं तुम लोगों की जरूर कर सकता हूँ। वो कैसे? जेल के अंदर तुम लोगों के लिए एक साफ सुथरा कमरा बनवा सकता हूँ, विद सेलफोन्स। Enjoy. I have to attend the college felicitation with ACP Jogendra. आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। जो भी बोल कर गया मेरी समझ से तो बाहर है। हा? मेरी बात सुनो एक्स, तूने 20 करोड़ की जबान दी है, ये काम करेगा क्या? करना तो चाहिए, थोड़ा गुस्से वाला है। ये काम करेगा क्या? काम करेगा क्या? अरे काका चुप हो जाओ ना। हाई फ्रेंड्स, आर एफ एम अनाउंसेस द सिल्वर जुबली फंक्शन ऑफ आवर कॉलेज। न्याय के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाले प्रोफेसर सत्यमूर्ति की हत्या करने वाले, हथियारों को पकड़ने वाले एसीपी जोगिंदर का इस अवसर पर हमारे कॉलेज की ओर से स्वागत करके अभिनंदन करते हैं। मेरे खुदा
सुन ले सदा, तेरा कानून सबसे बड़ा। ये जिंदगी जो है तेरी है बंदगी करती तेरी। का ये दिन बड़े शान का है दिन, अपनी जीत का है जश्न, झूमे गाए नाचे दिल। देश का है जो उसे देश को लौटा, अब वो आर्या हो पार हर जुर्म तुम मिटा। यहाँ का हीरो है तू, दुश्मन तेरे कदमों में है। देश के हर कोने से जुर्म को मिटाना है, नारा सबका वंदे मातरम। आज का ये दिन बड़े शान का है दिन, अपनी जीत का है जश्न, झूमे गाए नाचे दिल। देश का है जो उसे देश को लौटा, अब वो आर्या हो पार हर जुर्म तुम बेटा। सबकी है झोलियां जिनकी हो, धरती सबकी है। सबके गगन पर जो भी चलेगा, दुनिया उसकी है। प्यार करे जो, आह भरे जो, खुशियां उसकी है। वादा करते हैं पीछे ना हटेंगे, हाँ होगी ये हमारी दक्षिणा। बरसे 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 कलियां बरसे, बरसे 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 कलियां बरसे, फूलों की कलियां। भरले 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 दिल से भरले यारों की खुशियां। कानून से तू खेले, सुलझा सब झमेले। मिस्टर जोगेंद्र, अपनी बीवी को ढूंढ रहे हो? टेंशन मत लो, वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी है। शी इज अ वेरी स्मार्ट लेडी, अभी अभी तो देखा था। मैम मैं हेलो, उन्हीं का है। हेलो सर, अब तुम्हारा वहाँ रुकना वेस्ट है। हेलो, वही है जोगेंद्र, क्या कह रहे? क्योंकि तुम्हारी बीवी इस वक्त हमारे कब्जे में है, हमारे पास ही है। hey, कौन है तू? अरुणा को तो उसे फोन दो। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, कल तुम जिन्हें कोर्ट में पेश करने वाले हो, उनके केस के सारे सबूत फौरन हमें सौंपने होंगे। तुझे क्यों चाहिए? और तू है कौन? कौन हूँ ये जानने के लिए अपना टाइम खराब मत करो, जो कहा वो करो। ए, 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 चो, चो, चो,
अरुणा वही है ना। अरुणा क्या हुआ अरुणा? सुनिए, ये लोग मेरा किडनैप करके पता नहीं मुझे कहाँ ले आए, आप समझ रहे हो ना? तुम कहाँ से बोल रही हो? इस वक्त जो तुम्हारे पास सबूत है वो फौरन मुझे ला के दे दो, इसी वक्त, वरना तुम्हारी बीवी की लाश तुम्हें मिलेगी। वो सबूत तुम्हें क्यों दूँ? इडियट, सबूत मांग रहे? एक काम करो, दे दो फोन मुझे दो उनकी। तो तू समझता क्या है? आई एम राठौर सिंह बेटी। तू कमीना है, तेरा नाटक खत्म हो गया। ये बहुत महंगा पड़ेगा, मैं तुम्हें जान संभाल दूंगा। तू पुलिस वालों के साथ रहकर पुलिस वालों को ही धोखा देता है। तुम्हें सबूत चाहिए ना, वो मैं लाता हूँ। तेरी अंतरात्मा तुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैडम को अगर कुछ हुआ ना, कमीने बुजदिल, तुम्हारे पास उस केस के जितने भी सबूत हैं वो सारे सीबीआई ऑफिसर के हाथों भिजवा दो। जैसे ही हमें मिल जाएंगे मैं तुम्हारी बीवी उसके हवाले कर दूंगा, नहीं तो उसकी लाश तुम्हारे पास पहुंचेगी। मैं एक-एक को खत्म कर दूंगा। सुनिए अरुणा, मेरे बारे में चिंता मत करना, जो मिशन तुम्हारा लक्ष्य है वो बेकार नहीं जाना चाहिए। अरुणा वो सबूत किसी को मत देना, उनको सजा मिलनी चाहिए, उसके लिए भले मेरी जान क्यों न चली जाए। मैं जानती हूँ तुम मेरे बारे में सोचोगे, इसलिए मैं तुम्हें वो मौका बिल्कुल नहीं दूंगी। अरुणा तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अगर मर भी गई तो भी अपना मिशन नहीं छोड़ूंगी। अरुणा मुझे कुछ नहीं होगा। अरुणा प्लीज, उसका मौका नहीं दूंगी। अरुणा ये क्या कह रही हो? जी हाँ अरुणा भाई। अरुणा रुको। जिंदा मत छोड़ना, मार डालना सबको, उन्हें गोलियों से भून डालो। अरुणा शहीद हुई है। ग्रेट लेडी, शी इज ग्रेट। यस यस यस, ग्रेट लेडी। मेरी बात सुनो, तुम्हारा साहब उन गुंडों को कौन से रास्ते से ले जाने वाला है? ये तो भगवान भी नहीं जानता। शिट। अगर नहीं बताया तो यही सस्पेंड कर दूंगा। मेरे क्रिकेट बैट की भी हाइट नहीं तो तुम दोनों को पुलिस में किसने भर्ती किया? जेल की हवा खाने वाले बड़े बड़े गुंडों को पैसे देकर भगाने वाले को अब बड़ा पुलिस ऑफिसर बना के हमारे पास भेजा है। हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। क्या हो गया? इस रूट से जाने में खतरा है सर। सर अगर रास्ते में इन गुंडों को छुड़ा लिया तो? सर ऐसा कुछ नहीं होगा, हम उन्हें लेकर जाएंगे। हे ईश्वर, राजू सर, तुम गुंडों की वैन को ड्राइव करके इस हाईवे से न जाकर आगे जो बाईपास है वहाँ से डाइवर्ट होकर निकलना और कोर्ट के पीछे वाले रोड से आना। ठीक सर। किसी को शक नहीं होना चाहिए, मैं इन्हें ले जाने का दूसरा इंतजाम करता हूँ। ड्राइवर चलो। गिड्डों ने जैसा मैंने कहा वैसा कर दिया। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। तुम छोटे पुलिस वाले नहीं हो, बहुत बड़े पुलिस वाले हो। इतने सारे आई विटनेसों को तुमने मेरे हाथों में दे दिया। नहीं सर, हमने एसीपी के साथ बहुत गद्दारी की, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ धोखा किया है। अरे ये तो अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मेरा भारत महान। ताला खोल के तुम लोग भी अंदर बैठ जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है जाओ। अंदर खूब मजे लो। नाउ आई विल ड्राइव द व्हीकल।
चोर 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 चोरों को चोर ले गया रे। डिंक चिक्का डिंक चिक्का डिंक। हेलो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आई हैव डन इट। जितने भी आई विटनेस थे सबके सब मेरे कब्जे में हैं। अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, आई एम श्योर अबाउट इट। कम ऑन जल्दी उतरो जल्दी। सर ये यहाँ है, किसी को पता ना चले। ठीक है सर। केस का जजमेंट आने तक तुम लोग यहीं पर रहना। ओके सर। वेट फॉर माय फर्दर ऑर्डर। यस सर। बी केयरफुल। ओके सर। बैग संभाल कर। ओके सर। हाय जोगेंदर। क्या हुआ? तुम्हारे अंडरग्राउंड किए हुए गुंडे अभी तक कोर्ट नहीं पहुंचे? टाइम निकल रहा है। सॉरी 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 कोर्ट सॉरी। क्यों बॉस, वो आ रहे हैं या नहीं? लगता है नहीं आएंगे। हाँ बोलिए सर। तुम लोग क्या कर रहे थे? ये दरवाजे किसने खोला? किसी ने नहीं खोला सर, आपने ही लॉक किया था। मैंने लॉक किया था तो वो लोग कोर्ट कैसे पहुंच गए? कोर्ट पहुंच गए कैसे? भवानी और दूसरे 16 मुलजिमों के ऊपर गुंडा एक्ट के तहत कई सारे इल्जाम हैं। इन लोगों के ऊपर इतने केस हैं जिनमें शामिल हैं हत्याएं, बलात्कार, लूटपाट और चोरी। कुल मिलाकर 27 केसेस हैं। मिस्टर जोगिंदर, इनके खिलाफ जो भी सबूत आपने इकट्ठे किए हैं वो अदालत में पेश किए जाए। लेक्चरर सत्यमूर्ति का खून होते हुए जिन्होंने देखा वो उन्हीं के स्टूडेंट्स हैं। गीता के ऊपर हाथ रखकर हम कसम खाते हैं, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं। तुमने लेक्चरर सत्यमूर्ति का खून होते हुए देखा था? हाँ देखा। नहीं देखा सर। हमने इन्हें कभी नहीं देखा सर। हाँ सर। हमने कुछ नहीं किया। hey, तुम लोग डर रहे हो? हमें डर किस बात का? तो जो देखा वो बताओ ना। देखा होगा तो बताएंगे ना। hey, मिस्टर जोगेंद्र, कंट्रोल योरसेल्फ। आप लोग बताइए। सर, हमें पब्लिसिटी बहुत पसंद है। हमने सत्यमूर्ति का खून होते हुए देखा है। अगर ऐसा कोर्ट में बताओगे तो हमें बहुत सारी पब्लिसिटी मिलेगी, ऐसा एसीपी साहब ने कहा। उन्होंने फोर्स किया तो हमने हाँ कर दिया। हाँ सर। लेकिन यहाँ आने पे हमें डर नहीं लगता है, इसीलिए हमने यहाँ पर सच सच बता दिया। ये क्या कह रहे हो? यस सर। यस सर। माधुरी। सर, उसी लड़के ने तुम्हें किडनैप किया था ना? पता नहीं सर, मैं नहीं जानती। नहीं जानती? दरअसल मुझे किडनैप तो आप ही ने किया था। क्या? मैंने? ये क्या बोल रही हो? हाँ सर। मैंने तुम्हें उसके पास से छुड़ाया था। नहीं सर, कॉलेज से ही आप मुझे अपने साथ लेकर चले गए थे। मुझे छोड़ने के लिए आपने 10 लाख रुपए मांगे थे ना? आपने मुझे हैरास भी किया था ना? राजेश को भी मारा था ना? आपने तो हमारे ऊपर बहुत सारे जुल्म ढाए। आपने ही मुझे किडनैप किया था, इन लोगों को मैं नहीं जानती। मिस्टर जस्टिस, समथिंग रॉन्ग। मेरे पास एक और एविडेंस है। इनके खिलाफ जितने भी सबूत हैं वो सब मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में संभाल कर रखा है। उसमें इन लोगों ने खुद अपना जुर्म कबूला है, वो सबूत सेफ रखा है। जहाँ से? सर, वो ब्रीफकेस लाओ। कौन सा ब्रीफकेस सर? What do you mean? जिसमें सारे सबूत रिकॉर्ड किए हुए हैं, हार्ड डिस्क बॉक्स। वो मुझे कब दिया सर? झांसी, ये तुम क्या बोल रही हो? लगता है आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ है। यू
मैं कसम खाकर कहती हूँ मुझे कोई बॉक्स नहीं दिया गया। Jhansi, are you mad? सच में आपने मुझे कोई बॉक्स नहीं दिया? You fool! What happened? सर आप ये क्या बोल रहे हैं? Shit! ACP साहब, इस अदालत का और अपमान करने के लिए क्या आपके पास कोई और गवाह है जो गवाही देने वाला हो? I'm sorry, sir. I'm sorry. I'm very sorry, Mr. Justice. मैंने कभी आगे का नहीं सोचा। भूल जाता हूँ कि बाद में क्या होने वाला है। आवेश में आकर सब कुछ भूल जाता हूँ। I'm a fool. Yes, I'm a bloody fool. Shit, मेरी याददाश्त चली गई। Really, I'm fool, sir. I'm a fool. पुलिस ने मुलजिमों के ऊपर जो केस दायर किया है, उनके खिलाफ कोई सबूत पेश न कर पाने के कारण इन्हें निर्दोष साबित करते हुए बरी किया जाता है। साहब हमें रिलीज मत कीजिए, बाहर निकलते ही हमें मार डालेगा। सर हो सके तो हमें थोड़ी सिक्योरिटी दिला दो ना। हाँ दिला दो प्लीज सर। पूरे देश को गर्व होगा, ये एक बड़ा कारनामा होगा। कोर्ट और पुलिस ने यही अनुमान लगाया। बट मिस्टर जोगिंदर, तुम्हारी इस हरकत ने पूरे लाइन ऑर्डर का पान कर दिया, इसलिए कोर्ट के कानून के तहत अदालत में झूठी गवाही देने वाले इन विद्यार्थियों को एक वार्निंग देते हुए इस बार छोड़ देता हूँ। बिना किसी ठोस सबूत के इस अदालत का वक्त जाया करने वाले मिस्टर जोगिंदर को सस्पेंड करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को ये अदालत हुक्म देती है। मिस्टर जोगिंदर, आज तुमने पुलिस डिपार्टमेंट का सर नीचे झुका दिया, हम सबको शर्मिंदा कर दिया, इसलिए तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। प्लीज हैंड ओवर योर रिवॉल्वर। इन विद्यार्थियों ने जिस उद्देश्य के लिए किया, ऐसा कोई और ना करे, ये जनता से दरख्वास्त करते हैं। That is राठौर सिंह बेटी, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। यही है राठौर सिंह बेदी। I'm to the money, by the money and for the money. लेकिन तू इस समय एक पुलिस का कांस्टेबल भी नहीं रहा। मैंने तुम्हारे स्टूडेंट्स और तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स को एक बोतल के अंदर आराम से उतार दिया, लेकिन तुम्हारी इज्जत करता हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम जैसे जूते के लेस बन लोग रौड़ी और गुंडे हो। तुम जो करोगे वो अत्याचार और गुंडाइज्म होगा। अब तुझे दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। लोगों की नजरों में ये पुलिस इंटरोगेशन है, लेकिन अब यहां पर हकीकत में होने वाला है एक पुलिस वाले के हाथों दूसरे पुलिस वाले का एनकाउंटर। यस, और इस काम को अंजाम देने वाला हूँ मैं। तुझे मारने के लिए इतनी दूर लाने की मुझे जरूरत नहीं थी। तुझे बीच रोड में एक कुत्ते की मौत मार सकता था, लेकिन तू लोगों की नजरों में हीरो बन जाता, जबकि तू एक टेररिस्ट है। इंटरोगेशन के नाम पर तेरा खून किया गया। लोगों में यकीन लाने के लिए यही एनकाउंटर है। इसने मुझे सलाखों के पीछे रखा, अब इसे जान से मार डालना होगा। ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये बचना नहीं चाहिए, इसकी कहानी खत्म हो जानी चाहिए। मार दो इसे। मैं बाहर निकाल देता हूं। चुप, खामोश। इसे इतनी मामूली मौत मारने की जरूरत नहीं, इसकी मौत खतरनाक रूप से करनी होगी। सर ये हमारी वजह से हुआ है, इसीलिए इनके सामने आज आपका सर झुक गया। सर एक मासूम के प्राण बचाने के लिए झूठ बोलना कोई पाप नहीं होता। दरअसल हम उन्हें बचाना चाहते थे, इसलिए कोर्ट में झूठ बोला। अरुणा मैडम की जिंदगी बचाने के लिए हमने आपको धोखा दिया सर। जल्दी Yes, किसी ताकतवर को मारना चाहिए लेकिन कमजोर को नहीं, क्योंकि तेरी बीवी तेरे लिए कमजोरी है, इसीलिए उसको मार दिया। ऐसा तुम लोगों को विश्वास दिलाया,
और तुम सबको मुट्ठी में लाने के लिए ही मैंने उसे जिंदा छोड़ रखा था। कोर्ट में सारे सबूत मैंने बदल दिए, तेरे हाथों से केस को मैंने हवा में उड़ा दिया। I won, मैं जीत गया, बेदी जीत गया, और तू एक पुलिस वाले से क्रिमिनल बन गया। मेरा केस उड़ा नहीं है, मैं जीत गया हूँ। उस दिन इसकी मौत को देखने के बाद मेरा भगवान के ऊपर से भरोसा उठ गया था। अरुणा मर गई, मैंने सोचा मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। इसकी मौत के गम से मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला, लेकिन आज ये जिंदा है ये बात बताकर, मेरे सामने लाकर तूने अपनी मौत को ललकारा है। आज मेरा मिशन पूरा होने वाला है और होके रहेगा। मैंने अभी तक बहुत से एनकाउंटर किए हैं, लेकिन आज होने वाला एनकाउंटर मेरे लिए स्पेशल होगा, क्योंकि आज एक एरोगेंट ACP की लाइफ को मैं खत्म करने वाला हूँ। यस, आई एम प्राउड टू शूट, आई एम वेरी हैप्पी। सॉरी CM सर। तो क्या हुआ? हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, आप अगर परमिशन दें तो हम बाहर वेट करेंगे। नो, तुम्हारे डिपार्टमेंट से कोई नहीं आना चाहिए, फिर भी तुम्हें क्यों बुलवाया है पता है? ये सब तुम्हें देखना होगा। पुलिस की पावर से पॉलिटिकल पावर कितनी बड़ी है ये तुम्हारे डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए। ये डॉग स्क्वाड के जो कुत्ते हैं ना, तुम्हें देख के भौंकने चाहिए और हमें देखकर स्टाइल से तुम हिलाना चाहिए। hey, तुझे जो ये वर्दी दी गई है ये हमारी सिक्योरिटी के लिए है, और तेरे कंधे पर जो स्टार हैं वो हमारे पॉलिटिकल स्टार की रखवाली के लिए हैं। तुम्हारी मौत का सबक पुलिस अकेडमी की पुस्तक में एक अध्याय बन के छपेगा, ताकि ड्यूटी ज्वाइन करने वाला हर एक पुलिस वाला पॉलिटिशियन को देखकर यूनिफॉर्म के अंदर भी थर थर कांपने चाहिए। hey, पुलिस की ताकत को तुम क्या समझते हो? तुम चाहे अपनी ताकत से कितने ही पुलिस वालों को मार डालो, लेकिन पुलिस की ताकत दिन पर दिन बढ़ती ही जाएगी और वो तुम जैसे मुजरिमों का शिकार करेंगे। इस समाज को बचाने के लिए पुलिस का सीना एक बुलेट प्रूफ सीना होता है। नहीं, मेरे गेट पर रहने वाले एक चौकीदार की हैसियत है तुम पुलिस वालों की। hey, तुम गंदी नाली के कीड़े हो और पुलिस तुम्हारा नाश करना अच्छी तरह जानती है। जन्म में पुलिस वालों को इतना कमजोर कभी मत समझना। तुम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट का अपमान किया, इसीलिए मैंने कानून को अपने हाथों में लिया और इसका खून किया। लेकिन समाज का गुनहगार केवल यही नहीं है, तुम जैसे राजनेताओं ने इसे गुनहगार बना दिया। तुम लोगों में और इसमें कोई फर्क नहीं है, इसके साथ साथ मार देना चाहिए तुम्हें। इस समाज को सुधारने के लिए समाज पर जो भी दाग लगाने का प्रयत्न करेगा उसे जीना चाहिए या मर जाना चाहिए, ये फैसला तुम पर है। कम ऑन, टेक दिस गन। आज का ये दिन बड़े शानदार है दिन, अपने जीने